महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 33। इस अध्याय में अभिमन्यु वध का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है जो आप इस वीडियो में देखेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि अभिमन्यु वध दुर्योधन के पुत्र के हाथों हुआ और अनेक योद्धाओं ने मिलकर उसे नहीं मारा, किंतु कुछ लोग अभिमन्यु वध को अनेक योद्धाओं द्वारा अनीतिकर वध मानते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यही है, जो भी महाभारत में लिखा है सिर्फ वही आपको बताना, देखकर आप खुद निर्णय कीजिए। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का विवरण बताते हुए कहते हैं, राजन जब अर्जुन ने आपकी सेना को पराजित कर युधिष्ठिर की रक्षा कर द्रोण के संकल्प को विफल कर दिया, तब आपके सैनिक जिनके कवच छिन्न भिन्न और धूल से भर गए थे द्रोणाचार्य की सम्मति से युद्ध बंद करके हारे मन से शिविर की ओर चल दिए। वे सब मानो रण क्षेत्र में उपहास का पात्र सा बन गए थे। उस समय सेनापति अर्जुन के गुणों का बखान और श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रीति का वर्णन कर रहे थे। दूसरे दिन वक्ताओं में श्रेष्ठ दुर्योधन ने शत्रुओं की उन्नति को देख उदासी क्रोध और अभिमान से भरकर द्रोण से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, हम वास्तव में आपके शत्रु ही हैं, क्योंकि कल युधिष्ठिर के पास आ जाने पर भी आपने उसे नहीं पकड़ा। शत्रु युद्ध में सामने आ जाए और आप उसे पकड़ना चाहें, तब पांडव देवताओं की सहायता लेकर भी उसे बचाना चाहें तो नहीं बचा सकते, किंतु आप उस क्षण आंख बचा गए। आपने प्रसन्न होकर वर दिया था कि मैं युधिष्ठिर को पकड़ूंगा, किंतु आप अपनी बात से फिर गए। द्रोण इस प्रकार के शब्द सुनकर व्यथित होकर दुर्योधन से बोले, मैं तुम्हारा हित करने के लिए सदा उद्योग किया करता हूँ, अतः तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए, किंतु अर्जुन जिसकी रक्षा करता हो उसको देवता असुर गंधर्व यक्ष राक्षस और नाग भी नहीं जीत सकते। जहाँ जगतकर्ता गोविंद और अर्जुन खड़े हों वहाँ भगवान शिव को छोड़कर और भला किसका बस चल सकता है। हे तात अर्थात पालन करता, मैं यह सत्य कहता हूँ कि आज रण में मैं किसी एक बड़े महारथी का अवश्य नाश करूँगा। मैं आज सेना के ऐसे व्यूह की रचना करूँगा जिसे देवता भी भंग न कर सकेंगे। परंतु हे राजन, कुछ उपाय कर अर्जुन को वहाँ से दूर ले जाना होगा। युद्ध में ऐसी कोई भी कला नहीं है जिसे अर्जुन ना जानता हो। उसने मुझसे और अनेक गुरुओं से सब कुछ सीख लिया है। द्रोण के ऐसा कहने पर संसप्तक गणों ने दक्षिण दिशा में जाकर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, उस समय अर्जुन का शत्रुओं से ऐसा युद्ध हुआ जैसा पहले कभी न देखा न सुना है। इधर द्रोणाचार्य ने भी ऐसा सुंदर व्यूह रचा जो शत्रुओं को ऐसा संताप देता था जैसा मध्याह्न काल में सूर्य नेत्रों को पीड़ा देता है। हे भरतवंशी राजन, उस चक्रव्यूह को अभिमन्यु ने अपने बड़े ताऊ युधिष्ठिर के कहने से दुर्भेद होने पर भी अनेकों प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया था। हे राजन, उस समय अभिमन्यु ने सहस्त्रों वीरों को मारकर बड़ा भारी दुष्कर कर्म किया था। द्रोण अश्वत्थामा कृपाचार्य कर्ण भोज और शल्य ने इकट्ठे होकर उसे घेर लिया था और दुशासन के पुत्र ने उसे पकड़ लिया था। हे राजन, वहां अभिमन्यु ने लड़ते लड़ते अपने प्राणों को त्याग दिया। उससे हमारे योद्धा अत्यंत प्रसन्न हुए और पांडव शोक में डूब गए। अभिमन्यु के मारे जाने पर सेनाएं छावनी की ओर लौट गई। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, पुरुषों में सिंह के समान अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जिसने अभी पूरी तरुणता भी नहीं पाई थी, जो अभी बालक ही था, उसको मरा हुआ सुनकर मेरा हृदय फटा जाता है। हे संजय, धर्म को रचने वालों ने क्षत्रिय का धर्म बड़ा ही दारुण बनाया है, जिसके वश में होकर राज्य के लोभी शूरों ने बालक के ऊपर भी शस्त्र छोड़ दिए। हे संजय, अश्वविद्या में प्रवीण अनेक योद्धाओं ने निर्भय होकर युद्ध में विचरते हुए अत्यंत सुखी बालक अभिमन्यु को किस प्रकार मारा, यह मुझे सुनना है। और हे संजय, उस बालक किंतु अति बली अभिमन्यु ने रथी सेना को तोड़ने के लिए किस प्रकार अपना बल लगाया, यह भी तुम मुझसे कहो। हे राजेंद्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का संहार, रथी सेना से लड़ने का उसका पराक्रम और उसने युद्ध मैदान में कैसे महाबलशाली योद्धाओं को घायल किया, मैं ये सब आपसे कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। जिस प्रकार सूखी घास और झाड़ झंकाड़ वाले वन में रहने वाले वनवासियों को अग्नि से डर लगता है, वैसे ही अभिमन्यु के युद्ध करने पर आपकी सेना के योद्धाओं को भय लगता था। संजय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण और पांचों पांडव युद्ध में अति उग्र कर्म करने वाले हैं। अपने कर्मों के कारण वे देवताओं से भी नहीं हार सकते। बल कर्म
वंश, बुद्धि, कीर्ति, यश और लक्ष्मी, ये सब गुण युधिष्ठिर में हैं। उनके समान ना कोई पुरुष हुआ है और ना कोई होगा। हे राजन, प्रलय काल के यमराज, वीर्यवान परशुराम और रथ में बैठा हुआ भीमसेन, ये तीनों एक समान माने जाते हैं। प्रतिज्ञा का पालन करने में अत्यंत कुशल गांडीवधारी अर्जुन की उपमा क्या पृथ्वी में किसी से दी जा सकती है? परम गुरु भक्त, अपने कर्तव्य और कर्म को गुप्त रखने वाला, विनय, दम, रूप और शूरता, ये छह गुण नकुल में निवास करते हैं। वीर सहदेव शास्त्र ज्ञान, गंभीरता, बल, रूप और पराक्रम में अश्विनी कुमारों के समान है। महाराज, ये सब उत्तम गुण जो पांडवों और श्री कृष्ण में दिखते हैं, वे सब गुण एक अभिमन्यु में इकट्ठे दिखते थे। अभिमन्यु का बल युधिष्ठिर के समान, चरित्र श्री कृष्ण के समान, कर्म भयंकर कर्म करने वाले भीम के समान, रूप पराक्रम और शास्त्र ज्ञान अर्जुन के समान, तथा विनय और गंभीरता नकुल और सहदेव के समान थी। धृतराष्ट्र बोले, हे सूत, सुभद्रा के पुत्र, अपराजित अभिमन्यु के पूरे चरित्र को मुझे सुनने की इच्छा है। अतः अभिमन्यु ने रण क्षेत्र में किस प्रकार युद्ध किया और वीरगति पाई, मुझे विस्तार से बताओ। संजय बोले, हे महाराज, सावधान हो जाइए और भारी शोक को दबाकर रखिए। मैं आपको आपके संबंधियों के घोर संहार का वृतांत सुनाता हूँ, उसको सुनिए। हे महाराज, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा और उसमें इंद्र के समान बलशाली राजाओं को यथास्थान खड़ा किया। चक्रव्यूह के सबसे बाहरी भाग पर सूर्य के समान तेजस्वी नवीन राजकुमारों को खड़ा कर दिया। उन सब राजकुमारों ने इकट्ठे रहने की प्रतिज्ञा की थी। वे सभी लाल वस्त्र और लाल आभूषण पहने हुए थे। सबके कंठ में सुवर्ण की मालाएं पड़ी थी और शरीर पर चंदन लगा था। उनके रथ भी लाल रंग के ही थे। वे सब एक साथ उत्सुक होकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की ओर एक साथ दौड़े। उन आक्रमणकारी वीरों की संख्या 10,000 अर्थात 10,000 थी। वे सब योद्धा जो एक से साहस वाले थे, आपके पौत्र और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को आगे कर अभिमन्यु पर टूट पड़े। हे महाराज, राजा दुर्योधन सेना के मध्य भाग में महारथी कर्ण, कृपाचार्य और दुशासन को साथ लेकर विराजमान थे। उनके ऊपर श्वेत छत्र लगा था और उनके दोनों ओर चंवर और व्यंजन अर्थात हवा के पंखे धुलाए जा रहे थे। इस कारण वे उदय होते सूर्य के समान दिख रहे थे। उस व्यूह के मुहाने पर सेनापति द्रोणाचार्य और सिंधु देश का राजा जयद्रथ सुमेरु पर्वत के समान खड़ा था। हे महाराज, आपके 30 पुत्र अश्वत्थामा को आगे कर सिंधु राज जयद्रथ की करवट अर्थात बगल में खड़े थे। जयद्रथ की दूसरी करवट अर्थात बगल में मायावी गंधार देश का जुआरी राजा शकुनी, शल्य और भूरिश्रवा, ये तीन महारथी खड़े थे। तदनंतर मृत्यु को सामने रखकर आपके पुत्रों का तथा पांडवों का रोमांचकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। अब अभिमन्यु द्रोणाचार्य द्वारा रचित उस चक्रव्यूह पर भीमसेन को आगे कर टूट पड़े। सात्यकी, चेकितान, दृष्टद्युम्न, महापराक्रमी कुंती भोज, महारथी द्रुपद, अभिमन्यु, वीरवान बृहच्छत्र, चेदिराज, दृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, बलवान युधामन्यु, शिखंडी, अपराजित उत्तमौजा, महारथी विराट, द्रौपदी के पांचों पुत्र, शिशुपाल का पुत्र, महाबली केकय, महापराक्रमी सहस्त्रों शस्त्र विद्या में निपुण योद्धा अपने अपने नायकों की रक्षा में एक साथ द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़े। उनके समीप आने पर अति बली द्रोण किसी प्रकार घबराए नहीं और उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा कर उन्हें आगे बढ़ने से वहीं रोक दिया। जिस प्रकार बड़ा भारी जलाशय किनारों से टकराकर वहीं रुक जाता है, वैसे ही द्रोण के सामने पहुंचकर पांडव आगे न बढ़ सके। द्रोण के धनुष से निकले बाणों से पीड़ा पाकर पांडव और अन्य सभी योद्धा उनके सामने खड़े न रह सके। द्रोण का ऐसा बल देखकर युधिष्ठिर विचारने लगे कि द्रोणाचार्य को किस प्रकार सामने से हटाया जाए। उन्होंने विचारा कि अभिमन्यु के सिवाय द्रोणाचार्य को और कोई रोक नहीं सकता। यह मानकर उन्होंने अभिमन्यु के ऊपर यह असह्य भार रखने का विचार किया। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, हे महावीर, हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे अर्जुन वापस आकर हमारी निंदा न कर सके।
चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए इस बात को हम जरा भी नहीं जानते। हे महाबाहु, तुम, कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न ये चार ही चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हैं। कोई पांचवा पुरुष यहाँ इस काम को नहीं जानता। अतः हे अभिमन्यु, तुम प्रार्थना करने वाले ताऊ, चाचा, मामा और सैनिकों के इस मनोरथ को पूर्ण करो और द्रोण के इस व्यूह को तोड़ डालो, नहीं तो अर्जुन संग्राम से वापस लौटकर हमें ताना देगा। अभिमन्यु बोला, मैं आप सभी के मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगा और द्रोण की भारी सेना में घुसूंगा। मुझे पिताजी ने चक्रव्यूह को तोड़ना ही बताया है, परंतु उससे बाहर निकलने का उपाय नहीं बताया। अतः मैं अगर किसी प्रकार की विपत्ति में फंस गया तो बाहर निकल नहीं सकूंगा। यह सुन युधिष्ठिर बोले, हे योद्धाओं में श्रेष्ठ, तुम चक्रव्यूह को तोड़ो और हमारे घुसने के लिए मार्ग बनाओ। जिस मार्ग से तुम चक्रव्यूह में घुसोगे, उसी मार्ग से हम भी चक्रव्यूह में तुम्हारे पीछे पीछे प्रवेश कर जाएंगे। तुम धनंजय की तरह पराक्रमी हो, अतः तुम्हें आगे कर हम पीछे पीछे चलेंगे और मार्ग में सभी दिशाओं से तुम्हारी रक्षा करेंगे। भीमसेन बोले, मैं दृष्टद्युम्न, सात्यकी, पांचाल, कैकेय, मत्स्य तथा सभी प्रभद्रक तेरे पीछे पीछे आएंगे और तू जहाँ भी चक्रव्यूह को एक बार तोड़ देगा वहाँ से प्रवेश कर बड़े बड़े योद्धाओं को नष्ट कर डालेंगे। अभिमन्यु बोले, क्रोध में भरकर पतंगे जिस प्रकार जलती हुई अग्नि पर जा पड़ते हैं, वैसे ही मैं भी उस व्यूह में घुसूंगा जिसमें घुसना अत्यंत कठिन है। आज ऐसा पराक्रम करूंगा जिससे ननसाल और ददसाल दोनों कुलों का हित होगा और पिताजी और मामा जी मेरे कर्म से प्रसन्न होंगे। मैं अकेला हूँ और बालक हूँ तो भी शत्रुओं की सेना का संहार कर डालूंगा। मेरे जीते जी यदि कोई शत्रु जीता या जागता बच गया तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और सुभद्रा के पेट से जन्मा नहीं। यदि एक रथ में बैठकर मैं संपूर्ण क्षत्रियों के समूह के 8 टुकड़े न कर दूं तो मैं अर्जुन से पैदा ही नहीं हुआ। युधिष्ठिर बोले, हे सुभद्रा नंदन, हे महाधनुर्धारी, तू सूर्य के समान पराक्रमी पुरुषों से रचित द्रोण के महादुर्ग को तोड़ने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसा कहने वाले, हे महावीर, तेरा बल बढ़े। कथा सुनाते हुए संजय बोले, हे महाराज, युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर अभिमन्यु ने अपने सारथी से कहा, हे सुमित्र, अपने घोड़ों को द्रोण की सेना की ओर बढ़ाओ। अभिमन्यु के बारंबार चल चल कहने पर सारथी ने अभिमन्यु से यह बात कही, हे आयुष्मान, पांडवों ने आपके ऊपर बड़ा भारी बोझ डाल दिया है, अतः आप क्षण भर बुद्धि के साथ उस पर थोड़ा विचार कर लें, उसके पश्चात युद्ध के लिए आगे बढ़ना। सारथी बोला, द्रोणाचार्य बड़े शक्तिमान हैं, उन्होंने बड़ा भारी परिश्रम किया है और आप बड़े सुख में पले बढ़े हैं, आप युद्ध में उनके समान निपुण भी नहीं हैं। अभिमन्यु ने खिलखिलाकर सारथी से कहा, यह द्रोण और क्षत्रियों का समूह क्या है? यदि ऐरावत हाथी पर चढ़कर स्वयं इंद्र भी देवताओं को साथ लेकर आए अथवा भूतगणों को साथ लेकर ईशान शिव भी लड़ने को आए तो भी मैं उनसे लड़ूंगा। इन राजाओं को देखकर मुझे आश्चर्य नहीं होता, ये मेरे 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे सूत, अधिक क्या कहूँ, यदि युद्ध में विश्वजीत मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन से भी सामना हो जाए तो भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार अभिमन्यु ने सारथी की बात का तिरस्कार कर शीघ्रता से द्रोण की ओर रथ बढ़ाने को कहा। इस प्रकार की बात सुनकर सारथी का मन प्रसन्न तो नहीं हुआ, किंतु सुनहरे आभूषणों से सुसज्जित 3 वर्ष के घोड़ों को द्रोण की ओर बढ़ा दिया। अभिमन्यु के घोड़े महापराक्रमी द्रोण की सेना की ओर अत्यंत वेग से दौड़े। अभिमन्यु को अपनी ओर आते देख कौरव पक्ष के सब योद्धा उनके सामने हो गए। पांडव अभिमन्यु के पीछे पीछे चल रहे थे। ऊंची ध्वजा वाला सुवर्ण के कवच को पहन अर्जुन से भी बढ़ा चढ़ा अर्जुन का पुत्र युद्ध करने की अभिलाषा से द्रोण आदि महारथियों के समक्ष इस प्रकार आ खड़ा हुआ जैसे हाथियों के बीच सिंह का बच्चा आ डटता है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करते देखकर चक्रव्यूह के रक्षक उसके ऊपर एक साथ टूट पड़े और रण में बाणों का प्रहार आरंभ हो गया। संजय ने कहा, हे राजन, एक दूसरे का संहार करने वाले योद्धाओं का आपस में महादारुण संग्राम होने लगा। जब ये महासंग्राम चल रहा था तब द्रोण के देखते देखते भी महाबली अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया। अभिमन्यु कौरवों की बड़ी भारी सेना का संहार करते हुए जब अंदर घुसा तब उसे हाथी सवार, रथी, घुड़सवार और पैदल योद्धाओं ने घेर लिया। वे सब मिलकर अभिमन्यु के चारों ओर बड़ा भारी कोलाहल उत्पन्न करने लगे।
अनेक दिशाओं से अनेक नाद और बकवाद करने वाले शब्द बोलने लगे। कोई एक दिशा से तालियां बजाते अभिमन्यु को ललकारते, तो कोई दूसरी दिशा से भाग मत कहकर ललकारते। कोई बोलता कि इधर देख तेरा शत्रु यहाँ खड़ा है, तो कोई कहता कि ए बालक इधर आ इधर। ऐसे कोलाहल को उत्पन्न कर वे सब कौरव योद्धा हास्य झंझनाहट तालियां और रथ के पहियों से शोर कर अभिमन्यु पर टूट पड़े। संजय बोले, हे राजन, शीघ्रता से युद्ध की कला जानने वाला अभिमन्यु, जिसे योद्धा के मर्म स्थानों का पता था, सामने आए उन योद्धाओं के मर्म स्थानों में मर्मभेदी तीक्ष्ण बाण मारकर उन्हें भेदने लगा। उन बाणों के प्रहार से योद्धा घायल और मृत हो भूमि पर ऐसे गिरने लगे जैसे पतंगे अग्नि में गिरते हैं। अभिमन्यु ने कुछ ही पलों में उस स्थान को योद्धाओं के शरीर से ऐसे भर दिया जैसे यज्ञ की वेदी को लकड़ियों से ढक दिया जाता है। हे राजन, आपके योद्धा जो हाथों में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न आयुध लिए थे, जैसे धनुषबाण, तलवार, ढाल, अंकुश, भाले, तोमर, फरसे, गोफनी, फांसे, पत्थर, गदा, पट्टीश, चाबुक, बड़े बड़े शंख, उन सब के हाथों को अभिमन्यु ने अत्यंत फुर्ती से काट डाला। हे राजन, लहूलुहान हुए लाल लाल लुढ़कती हजारों भुजाओं से पृथ्वी ऐसे शोभा पा रही थी जैसे पांच मुख वाले सर्पों को गरुड़ जी ने काट काट कर फेंक दिया हो। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने शत्रुओं के मस्तकों से पृथ्वी को ढक दिया। उन्होंने वहां अनेकों अनेक रथों को नष्ट कर दिया। उनके पहिए, छत्र और सभी भाग नष्ट हो गए। उस समय बाण वर्षा करता अभिमन्यु सब जगह समाया हुआ सा लगता था। जब अभिमन्यु के समक्ष हाथियों से सुसज्जित सेना आई, तब उन्होंने फिर से पराक्रम दिखाया। भीषण प्रहार कर उन्होंने हाथियों के वैजंती माला, ध्वजा, कवच, हाथियों की कमर पेटी, गले के बंधन, झूले, घंटे, सूंड, दांतों के अग्रभाग, छत्री और उनके पीछे चलने वाले पुरुषों को भयंकर बाणों से काट डाला। संजय बोले, हे महाराज, आपकी सेना में जो अद्भुत अश्व थे, जो वनों, पर्वतों, कंबोज और बाहलिक देशों से आए थे और जिनके ऊपर शक्ति और तोमरों से युद्ध करने वाले चतुर योद्धा सवार थे, ऐसे घोड़ों और घुड़सवारों को भी अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम करके काट डाला। कितने ही घोड़ों और उन घुड़सवारों के भीतरी अंग शरीर के बाहर निकल आए थे। उन घोड़ों के नाश को देख मांसाहारी पक्षियों को बड़ा हर्ष हुआ। संजय बोले, हे राजन, अकेले अभिमन्यु ने विष्णु के समान अविश्वसनीय और भयानक कर्म प्रकट किया। अभिमन्यु ने आपकी तीन अंगों वाली सेना का संहार कर डाला और शत्रुओं से सहा न जाए ऐसा महापराक्रम करके दिखाया। जिस प्रकार कार्तिकेय ने असुरों की सेना का नाश कर डाला था, वैसे ही अकेले अभिमन्यु ने आपके पैदल योद्धाओं का नाश कर डाला। यह देखकर वहां उपस्थित योद्धाओं और उनके पुत्रों के मुख सूख गए, रोंगटे खड़े हो गए, आंखें डगमगा गई, खड़े खड़े पसीना आ गया और वे दसों दिशाएं देखने लगे। वे सब इतने उदासीन हो गए कि भागने का मार्ग देखने लगे। वे वहां अपने गोत्र के बंधुओं को बुलाने लगे। अनेक तो घोड़ों और हाथियों को हाँक हाँक कर वहां से भाग खड़े हुए। संजय ने कहा, हे महाराज, परम पराक्रमी अभिमन्यु से सेना को तितर बितर हुई देखकर दुर्योधन को बड़ा क्रोध आ गया। अतः वह स्वयं ही अभिमन्यु के सामने जा पहुंचा। जैसे ही द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को सुभद्रा नंदन की तरफ जाते देखा, द्रोणाचार्य ने सभी योद्धाओं से तुरंत दुर्योधन की रक्षा के लिए जाने को कहा। द्रोणाचार्य बोले, बलि अभिमन्यु हमारे देखते देखते ही योद्धाओं का लक्ष्य बनाकर नाश कर रहा है, इसलिए बिना डरे दुर्योधन के पीछे जाकर सब उसकी रक्षा करें। संजय बोले, हे महाराज, यह सुनकर विजय के प्यासे आपके पुत्र दुर्योधन की भय से रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर हो लिए। इतने में ही द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, सुबलपुत्र, कृतवर्मा, ब्रह्मदल, मद्रराज, भूरिश्रवा, कौरव, शल, वृषसेन, ये सभी मिलकर अभिमन्यु पर बाण वर्षा करने लगे। उन सब ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु को हड़बड़ी में डालकर दुर्योधन को बचा लिया। मुख से निकले हुए ग्रास के समान दुर्योधन का छूटना अभिमन्यु से सहा नहीं गया। क्रोध से भरकर उसने बड़ी भारी बाण वर्षा कर सारथी और घोड़ों सहित उन महारथियों को भगाकर सिंहनाद किया। मांस चाहने वाले सिंह के समान अभिमन्यु के नाद को द्रोण आदि योद्धा सह न सके और वे सभी
अत्यंत क्रोध से भर गए। उन सबने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया और अनेकों प्रकार के चिन्ह वाले बाणों के जाल उस पर छोड़ने लगे। संजय बोले, हे महाराज, आपके पौत्र अभिमन्यु ने तेज शस्त्रों के प्रहार से उन बाण जालों के टुकड़े टुकड़े कर उन महारथियों को भी घायल कर दिया। अभिमन्यु के सर्पों के समान बाणों के प्रहार से क्रोध में आए उन महारथियों ने अभिमन्यु को मारने की इच्छा से चारों ओर से घेर लिया। संजय बोले, राजन, उस समय आपकी सेना युद्ध के समान उफन पड़ी, जिसे अभिमन्यु ने अपने बाणों के द्वारा एक किनारे की भांति रोक दिया। एक दूसरे के वध की चाहत लिए किसी योद्धा ने पीछे की ओर कदम नहीं रखा। उस भयानक घोर संग्राम के समय दुस्सह ने अभिमन्यु को 9 बाण मारे, दुशासन ने 12, कृपाचार्य ने 3, द्रोण ने सर्पों के समान 17 बाण अभिमन्यु की ओर चलाए। विविंशति, ब्रह्मदल, अश्वत्थामा, शकुनी, भूरिश्रवा, शल्य और दुर्योधन ने भी अनेक बाण मारे। संजय बोले, परंतु हे महाराज, प्रतापी अभिमन्यु हाथ में धनुष लेकर जैसे नाच रहा हो, इस प्रकार घूम घूम कर उन सब बाणों को सीधे जाने वाले 3-3 बाणों से काटने लगा। यद्यपि वे सब आपके पौत्र अभिमन्यु को भय दिखा रहे थे, इस कारण उसने अत्यंत क्रोध में भरकर अपनी भारी अस्त्र विद्या का बल दिखाना आरंभ कर दिया। तभी अश्मक देश का राजा वायु के समान वेगवान अश्वों के साथ अभिमन्यु के सामने आ गया और उसने 10 बाण अभिमन्यु की ओर चलाए और जोर से बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तभी अभिमन्यु ने हंसते हंसते 10 बाणों से उसके घोड़ों, सारथी, ध्वज, दोनों भुजाएं, धनुष और मस्तक को भूमि पर गिरा दिया। अश्मक राजा की ऐसी मृत्यु देख वहां खड़ी सेना भागने लगी। इतने में ही कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, शकुनी, शल्य, भूरिश्रवा, श्राद्ध, सोमदत्त, विविंशति, वृषसेन, सुषेण, कुंडभेदी, प्रतर्दन, वृंदारक, ललित्य, प्रवाहु, दीर्घलोचन और दुर्योधन क्रोध में भरकर अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन महान धनुर्धारियों के छोड़े हुए बाणों से अभिमन्यु मानो बिंद गया, परंतु विचलित नहीं हुआ। उसने एक अत्यंत वेगवान बाण कर्ण को मारा, जो उनके कवच और शरीर को भेदता हुआ भूमि में जा धंसा। ध्यान रहे, यहाँ कर्ण के दिव्य कवच की बात नहीं हो रही है। उस महाप्रहार के कारण कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई और वह रणभूमि में मानो कांप उठा। तुरंत ही अभिमन्यु ने क्रोध से भरकर 3 बाणों से सुषेण, दीर्घलोचन और कुंडभेदी को घायल कर दिया। तभी कर्ण, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ने उस पर अनेकों बाण चलाए। रण में घूमता बाणों से छिदे हुए अंगों वाला इंद्र के पुत्र का पुत्र अभिमन्यु यम के समान दिखाई दे रहा था। उसने पास खड़े शल्य को बाण बरसाकर आच्छादित कर दिया और आपकी सेना को डराने के लिए बड़ी भारी गर्जना की। अस्त्रों से बिंधा हुआ शल्य रथ का दंड पकड़कर बैठ गया और मूर्छित हो गया। यह देखकर उसकी सेना डर गई। इस समय अदृश्य पितृ, देवता और सिद्ध पुरुष अभिमन्यु के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, जब महाधनुर्धारियों के बाणों का अभिमन्यु नाश करने लगा, तब किस किस कौरव योद्धा ने उसे रणभूमि में रोका था? संजय बोले, हे महाराज, द्रोणाचार्य जिस रथ सेना की रक्षा कर रहे थे, उस सेना को नष्ट करने वाले अभिमन्यु के पराक्रम को आगे सुनिए। जब शल्य के छोटे भाई ने सुना कि मेरे बड़े भाई को अभिमन्यु ने बाण मारकर अशक्त कर दिया है, तब वह बाण बरसाता हुआ अभिमन्यु के ऊपर चढ़ आया। उसने 10 बाणों से अभिमन्यु, सारथी और अश्वों पर प्रहार किया और अहंकार में गर्जना करते हुए बोला, अरे ओ अभिमन्यु, जहां है खड़ा रहे। यह सुनकर फुर्तीले हाथ वाले अभिमन्यु ने बाणों से शल्य के भाई का मस्तक, हाथ पैर, धनुष, घोड़े, छत्र, ध्वजा, सारथी, जुआ, पहिए और रथ के सभी भाग इतनी शीघ्रता से काट डाले कि उसे ऐसा करते कोई देख न सका। वह अभिमन्यु के द्वारा क्षीण होकर भूमि पर ऐसे गिरा जैसे वायु से टूटकर पर्वत गिरता है। अभिमन्यु का ऐसा अद्भुत कर्म देखकर आसपास कुछ तो सन्न खड़े रह गए और कुछ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। जब शल्य का भाई मर गया, तब शल्य की सेना के विशाल गजराजों, अश्वों और पैदल योद्धाओं ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया और जोर जोर से सिंहनाद करते हुए बोले, अब यह बालक जीते जागते नहीं बचेगा। ऐसे शब्द सुनकर अभिमन्यु जोर से हंसा और उन सभी योद्धाओं को अपने बाणों से बींध डाला।
नए नए प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़कर अत्यंत फुर्ती से लड़ने लगा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन से जिन जिन अस्त्रों को पाया था उन अस्त्रों का कृष्ण और अर्जुन के समान ही प्रयोग करने लगा। अपने भय और युद्ध के अतिभार को दूर करते हुए अभिमन्यु कब बाणों को चढ़ाता और कब छोड़ देता यह मालूम ही नहीं हो रहा था। जिस प्रकार वर्षा ऋतु बीत जाने पर शरद काल में सूर्य नारायण अत्यंत प्रचंड हो जाते हैं, वैसे ही अभिमन्यु भी पहले सुकुमार की तरह और बाद में अत्यंत प्रचंड युद्ध करने लगा। कुरुक्षेत्र में तांडव करता अभिमन्यु बाण छोड़ते हुए ऐसे प्रतीत हो रहा था जिस प्रकार सूर्य नारायण विभिन्न लोकों में अपनी किरणें बरसाते हैं। उस यशस्वी अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के सामने ही उनकी रथ सेना पर शुरप्र, वत्सदंत, विपाट, नाराज, अर्धचंद्राकार और अंजलिक बाण मारे और देखते ही देखते वह रथ सेना वहां से भाग खड़ी हुई। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, सुभद्रा नंदन ने हमारी सेना को भगा दिया। यह सुनकर मेरा चित्त भय और संताप से भरा जा रहा है। अतः हे संजय, जैसे कार्तिकेय ने असुरों के साथ युद्ध किया था, वैसे ही अभिमन्यु ने भी कौरवों के साथ युद्ध किया, उसे मुझे विस्तार से बताओ। संजय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र, मैं आपसे विस्तार से उस दारुण युद्ध को कहता हूँ, सुनिए। रथ में बैठे अभिमन्यु ने आपकी सेना के रथी और उत्साही योद्धाओं के ऊपर बाण वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। अभिमन्यु ने घूम घूम कर द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, भोज, बृहद्वल, दुर्योधन, सोमदत्त, शकुनी तथा और भी राजे राजकुमारों तथा उनकी सेना पर बाण बरसाए। उस समय अभिमन्यु हर दिशा में समाया हुआ सा लगता था। महाराज, अति पराक्रमी सुभद्रा नंदन के ऐसे चरित्र और बल को देखकर आपकी सेना के सहस्त्रों सेना दल कांप उठे। हे भारत, द्रोणाचार्य के नेत्र रणविशारद अभिमन्यु को इस प्रकार देखकर खिल गए और वे कृपाचार्य से बोलने लगे। द्रोणाचार्य बोले, पांडवों का यह तरुण कुमार अभिमन्यु अपने सब मित्रों, राजाओं, पांडवों और अन्य मध्यस्थ मित्रों को आनंद देता हुआ हमारी सेना पर चढ़ा चला आ रहा है। मेरी समझ में इस समय युद्ध में इसके समान कोई धनुर्धारी नहीं है। यह चाहे तो इस सेना का नाश कर डाले, किंतु न जाने यह ऐसा क्यों नहीं कर डालता। समीप ही दुर्योधन भी खड़ा था। हे महाराज, आपका पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य के ऐसे प्रीति भरे शब्दों को सुनकर क्रोध से भर गया और द्रोणाचार्य को आश्चर्य से देखते हुए कर्ण, राजा वाहलिक, मद्रराज और दूसरे महारथियों से बोला, सब मूर्धाभिपिक्त अर्थात क्षत्रिय राजाओं के आचार्य ये द्रोण अर्जुन के इस मूढ़ पुत्र को मारना ही नहीं चाहते और कहते हैं कि यदि ये अभिमन्यु आतताई बन जाए तो काल भी युद्ध में इसके समान नहीं ठहर सकता, फिर मनुष्य की तो गणना ही क्या है। दुर्योधन क्रोध में बोला, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है और अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य है, इसी कारण द्रोणाचार्य अभिमन्यु को अपना शिष्य समझकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि धर्मात्माओं को अपने शिष्य, पुत्र और उनकी संतानों पर नैसर्गिक स्नेह होता है, इसलिए ही द्रोण उसकी रक्षा कर रहे हैं, किंतु ये अहंकारी अभिमन्यु इसमें अपना पराक्रम समझ रहा है। दुर्योधन सभी खड़े राजाओं को आज्ञा देते हुए बोलता है, तुम सब इसका अति शीघ्र नाश कर डालो। राजा दुर्योधन से इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सब द्रोणाचार्य को देखते देखते ही अभिमन्यु पर जा चढ़े। दुर्योधन के समीप खड़ा दुशासन बोला, हे महाराज, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं सब पांडवों और पांचालों के देखते हुए ही इस अभिमन्यु को मार डालूंगा। मैं अभिमन्यु को इस प्रकार निगल जाऊंगा जैसे राहु चंद्रमा को निकल जाता है। दुशासन क्रोध और अभिमान से भरकर जोर से बोला, अभिमन्यु को मेरे हाथों से मरा हुआ सुनकर अर्जुन और श्री कृष्ण निसंदेह जीव लोक से प्रेत लोक में पहुंच जाएंगे अर्थात मर जाएंगे। उन दोनों को मरा हुआ जानकर पांडु के पुत्र अपने सगे संबंधियों सहित नपुंसक समान हो जाएंगे। इसलिए हे राजन, इस एक शत्रु के मारे जाने पर आप बाकी सभी शत्रुओं को मरा हुआ ही समझना। इस प्रकार की बात दुर्योधन के मन में डालकर दुशासन आगे बोला, हे भरतवंशी राजन, आप मेरे कल्याण की कामना करें, मैं अभी आपके शत्रु को मार डालूंगा। संजय बोले, हे राजन, आपका पुत्र दुशासन ऐसा कहकर बहुत जोर से गरजा और क्रोध से भरकर बाण बरसाता हुआ अभिमन्यु की ओर दौड़ पड़ा।
दुशासन को शीघ्रता से अपनी ओर आते देख अभिमन्यु ने उस पर 26 बाण चलाए। उन बाणों के प्रहार से मदमस्त हाथी के समान दुशासन भी बाण बरसाने लगा। दोनों योद्धाओं के रथ एक घेरा बनाकर एक दूसरे पर घूम घूम कर प्रहार करने लगे। वहां खड़े योद्धा इनका युद्ध देखकर मृदंग, दुमदुभी, नगाड़े, रणभेरियां आदि वाद्य बड़े जोर से बजाने लगे। संजय बोले, हे महाराज, बाणों की मार से घायल बुद्धिमान अभिमन्यु सामने खड़े अपने शत्रु दुशासन से बोला, हे अभिमानी क्रूर कर्मा क्षत्रिय धर्म को त्यागने वाले, तुझे मैं रण में आज अपने सामने देखकर प्रसन्न हूँ। तूने राजसभा में राजा धृतराष्ट्र के सामने ही अत्यंत कठोर वचनों से धर्मराज को कष्ट दिया था। इतना ही नहीं, तूने भीमसेन से भी अनेक कटु वचन बोलकर उन्हें कुपित कर दिया था। उन महात्माओं के कोप के कारण, दूसरों के धन को हरने के कारण तथा सबके क्रोध और अशांति के कारण ही तू आज मेरे सामने मरने के लिए लड़ने को आया है। लोभ, अज्ञान और द्रोह के कारण तूने जो मेरे बड़ों का सब कुछ हर लिया था, इसीलिए तुझे आज ये दिन देखना पड़ा है। हे दुर्मते, आज तुझे तेरे भयंकर अधर्म का भयानक फल अवश्य देखने को मिलेगा। इस समस्त सेना के सामने मैं तुझे अपने बाणों का स्वाद चखाऊंगा और आज अपने पिता के कोप के ऋण को चुकाऊंगा। हे कुरुपुत्र, आज मैं क्रोध से भरी द्रौपदी और उस क्रोध के कारण उपजे वैर का बदला लेने की इच्छा वाले अपने पिता और भीमसेन के ऋण से युद्ध भूमि में मुक्त हो जाऊंगा। अगर तू रण से भागेगा नहीं तो मैं आज तुझे जीता नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर शत्रुनाशक महाबाहु अभिमन्यु ने दुशासन का अंत करने वाला काल अग्नि और काल वायु के समान एक तेजस्वी महाबाण कान तक खींचकर दुशासन की छाती में मारा, जो दुशासन की हसली तोड़ता हुआ भूमि में जा धसा। अभिमन्यु ने धनुष को कान तक खींचकर अति फुर्ती से अग्नि के समान प्रज्वलित 25 बाण दुशासन पर छोड़े, जिससे दुशासन बिंद गया। पीड़ा से चिल्लाता वह रथ में मूर्छित होकर डह गया। तुरंत मौका मिलते ही सारथी दुशासन के रथ को दूर निकाल ले गया। पांडव, द्रौपदी के पांचों पुत्र विराट, पांचाल और केकय योद्धा सिंहनाद कर नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। इस प्रकार अभिमन्यु का पराक्रम देखकर पांडव सेना आनंद से भरकर द्रोण की सेना को नष्ट करने की इच्छा से शीघ्रता से युद्ध करने लगी। ऐसा लगा मानो महायुद्ध छिड़ गया हो। युद्ध में पीछे ना हटने वाले विजय अभिलाषी शूरवीरों का भयंकर युद्ध होने लगा। दुर्योधन कर्ण से अचानक ही बोल उठा, देखो, रण में शत्रुओं का संहार करने वाले इस प्रचंड अभिमन्यु ने दुशासन को हरा दिया है। इतने में ही क्रोध से भरे पांडव अभिमन्यु की रक्षा करने के लिए उतावले होने लगे और भारी बाण वर्षा करने लगे। यह देख कर्ण क्रोध से भरकर अभिमन्यु पर तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगा, किंतु द्रोणाचार्य की ओर बढ़ते अभिमन्यु ने कर्ण पर 73 बाण मारे और वह द्रोण की ओर बढ़ने लगा। प्रचंड वेग से बढ़ते अभिमन्यु के वेग और बाण वर्षा के आगे कोई योद्धा खड़ा नहीं रह पा रहा था। तभी प्रतापी और परशुराम के शिष्य कर्ण ने सैकड़ों अस्त्र अभिमन्यु पर छोड़े और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर अभिमन्यु को पीड़ा दी, किंतु अभिमन्यु इतनी भारी बाण वर्षा से तनिक भी घबराया नहीं। उसने तुरंत ही गांठ वाले तेज भल्लों से अनेकों शत्रुओं के धनुषों को काटकर धनुर्मंडल में से निकले विष के समान तेज बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए उनके छत्र, ध्वजा, सारथी और अश्वों को बींध डाला। कर्ण ने भी अभिमन्यु पर वैसे ही बाणों से प्रहार किया जिन्हें इस बालक योद्धा ने अपने ऊपर झेल लिया, अर्थात वे बाण अभिमन्यु को घायल कर गए। अभिमन्यु ने एक ही साथ कर्ण की ध्वजा और धनुष को काटकर भूमि पर गिरा दिया। कर्ण को इस प्रकार विपत्ति में फंसा देखकर कर्ण का छोटा भाई अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु के सामने आने लगा। उधर पांडव सेना अभिमन्यु का ऐसा पराक्रम देख हर्ष से बाजे बजा अभिमन्यु का उत्साह बढ़ाने लगे। संजय बोले, हे राजन, कर्ण का छोटा भाई धनुष को हाथ में लेकर गरजता हुआ और बारंबार प्रत्यंचा को खींचता हुआ उन दोनों महात्माओं के रथ के बीच आकर खड़ा हो गया। उसने अभिमन्यु पर भारी बाण वर्षा की। उसके बाण अभिमन्यु, उनके सारथी और अश्वों को जा लगे। हे महाराज, ऐसा कर्म देखकर आपके सभी पुत्र अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी अभिमन्यु ने
सिर्फ एक बाण कर्ण के छोटे भाई पर चलाया और उसका सर धड़ से अलग हो भूमि पर जा गिरा। अपने भाई की ऐसी मृत्यु देखकर कर्ण को शोक भराया। तभी अभिमन्यु ने कर्ण पर गिद्ध के पंखों वाले बाण बरसा दिए। शोक से भरे कर्ण के सारथी ने रथ को पीछे हटा दिया। फिर प्रचंड प्रतापी अभिमन्यु क्रोध में भरकर कौरव सेना के रथ, अश्वों और हाथियों वाली सेना का संहार करने लगा। अभिमन्यु के ऐसे प्रचंड पराक्रम और कर्ण के पीछे हट जाने से द्रोणाचार्य का व्यूह खंडित होने लगा। अभिमन्यु के बाणों से आकाश ऐसे विलुप्त हो गया जैसे टिड्डियों अथवा मेघों के घिर आने पर विलुप्त हो जाता है। हे महाराज, जिस समय तीक्ष्ण बाणों से अभिमन्यु आपके सैनिकों का संहार कर रहे थे, उस समय जयद्रथ को छोड़कर और कोई भी उसके सामने खड़ा न रह सका। जब व्यू का अग्रभाग खंडित होने लगा, तब अभिमन्यु चक्रव्यूह में ऐसे घुसा जैसे फूस में अग्नि सब कुछ भस्म करके फैल जाती है। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में अंदर घुसा, उसने बहुत भयंकर बाण वर्षा कर अनेक रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धाओं के सरों और धड़ों से पृथ्वी को ढक दिया। अनेक योद्धा तो अभिमन्यु के बाणों से घायल होकर अत्यंत व्याकुल हो जीवन की आशा से भागने लगे। भागने में बाधा बनने वाले अपने ही सैनिकों को मारने लगे। अभिमन्यु विपाट नामक बाणों को बड़े उग्र रूप में चलाने लगा, जो वहां उपस्थित हर जीव के शरीर से आर पार होकर भूमि में धसने लगे। उस भूमि पर रण के आयुध, चमड़े के मोजे, गदा, बाजूबंद धारण किए हुए हाथ, बाण, धनुष, खड़ग और मुकुट धारण किए हुए शीश कटे पड़े थे। उस समय वहां डरपोकों को दहलाने वाला और मारे जाते योद्धाओं का भयंकर शोर होने लगा। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, उस भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंजने लगी और अभिमन्यु श्रेष्ठ अश्वों, रथों को मारता हुआ उस भागती सेना के पीछे पड़ गया। चक्रव्यूह में घुसा अभिमन्यु उस अग्नि के समान लग रहा था जो अपने आसपास का सब कुछ भस्म कर देती है। संजय बोले, अभिमन्यु रण क्षेत्र की हर दिशा में घूम रहा था, परंतु वहां अत्यंत धूल भर जाने के कारण हम उसे ठीक से नहीं देख पा रहे थे। क्षण भर में ही सबके प्राण हरता हुआ और शत्रु मंडल को तपाता हुआ अभिमन्यु मध्याह्न अर्थात दोपहर के सूर्य के समान फिर दिखाई दिया। हे महाराज, इंद्र के पुत्र का पुत्र वह कुमार उस समय राजाओं की सेना के बीच अत्यंत शोभा पा रहा था। धृतराष्ट्र संजय से बोले, वह बालक जो अपने बाहुबल पर विश्वास रखने वाला, युद्ध कुशल वीर, युद्ध के समय शरीर की परवाह न करने वाला, 3 वर्ष की अवस्था वाले उत्तम घोड़ों के रथ में बैठकर चक्रव्यूह को तोड़कर कौरव सेना में घुसा। उस समय युधिष्ठिर की सेना से कौन कौन से बली योद्धा उसके पीछे कौरव सेना में घुसे। संजय बोले, हे महाराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी, सात्यकी, नकुल, सहदेव, दृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, केकय, दृष्टकेतु और मत्स्य आदि योद्धा जो अभिमन्यु के मामा और चाचा ताऊ आदि थे, वे अभिमन्यु की रक्षा करने के लिए अपने त्रिव्यूह को संगठित करके उसके पीछे पीछे ही चल रहे थे। उन सबको अपनी ओर आते देख आपकी सेना के सैनिक भागने लगे। इस प्रकार आपकी सेना के भागते योद्धाओं को देखकर आपके जमाई सिंधुराज के पुत्र तेजस्वी जयद्रथ ने भागती हुई सेना को रोकने की इच्छा से और अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपनी ओर आते पांडवों और उनकी सेना को आगे बढ़ने से वहीं रोक दिया। जिस प्रकार हाथी नीची भूमि पर शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक देता है, उसी प्रकार वृद्ध छत्र के पुत्र अत्यंत उग्र धनुर्धारी जयद्रथ ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके पांडवों को आगे बढ़ने से वहीं रोक दिया। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मेरी समझ में इस समय जयद्रथ के ऊपर बड़ा भारी भार आ खड़ा हुआ है, जो उसने अकेले होने पर भी क्रोध से भरे पांडवों को वहीं रोक दिया। मेरा विश्वास है कि सिंधुराज में बहुत बल और शूरता है। ऐसे महात्मा की श्रेष्ठ कर्म और उत्तम वीरता मुझे सुनाओ। संजय, जयद्रथ ने ऐसा कौन सा तप, यज्ञ अथवा दान किया था जिसके प्रभाव से उसने अकेले ही पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। संजय बोले, जिस समय जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण किया था, उस समय भीमसेन ने उसको द्वंद में जीत लिया था। उस समय जयद्रथ को बहुत नीचा देखना पड़ा था और उसने वर पाने की इच्छा से बड़ा घोर तप किया था।
भूख, प्यास और धूप को सहकर उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। शरीर पर मात्र नसें ही नसें दिखाई देती थी। इस प्रकार वह सनातन ब्रह्म के नाम का स्मरण करता हुआ प्रभु शिव की पूजा करने लगा। यह देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसके ऊपर कृपा की और स्वप्न में शिव जी ने सिंधुराज से कहा, हे जयद्रथ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो जयद्रथ। संजय बोले, हे महाराज, शिव जी के ऐसे वचन सुनकर विनीत आत्मा सिंधुराज जयद्रथ ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव जी से कहा, मैं अकेला ही रथ में बैठकर भयंकर पराक्रमी पांडवों को सेना सहित रण से भगा दूं, यह वरदान दीजिए प्रभु। जयद्रथ के ऐसा कहने पर शिव जी ने उससे कहा, हे सौम्य, मैं तुझे वर देता हूँ कि तेरी अभिलाषा पूर्ण हो, किंतु धनंजय अर्जुन को तू नहीं जीत सकेगा। युद्ध में पांडु के केवल 4 पुत्रों को ही तू पीछे हटा सकेगा। शंकर जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए और जयद्रथ निद्रा से जाग गया। हे महाराज, जयद्रथ ने उस वरदान और दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से अकेले होते हुए भी पांडवों की सेना को पीछे ही रोक दिया। जयद्रथ के धनुष की प्रत्यंचा के शब्द से शत्रु योद्धाओं को भय लगा और आपकी सेना को अत्यंत हर्ष हुआ। जयद्रथ के ऊपर आई इस विपत्ति को देखकर अन्य क्षत्रिय योद्धा कोलाहल करते हुए पांडवों की सेना की ओर कूच करने लगे। संजय बोले, हे महाराज, आपने जो सिंधुराज के पराक्रम को मुझसे पूछा है, अतः जयद्रथ पांडवों से जिस प्रकार लड़ा था वह सब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सिंधुराज का रथ गंधर्व नगर के समान रमणीय और बहुत ही सजा हुआ था। सदैव वश में रहने वाले ऊंचे और पवन वेगी सिंधु देशीय घोड़े उस रथ को खींच रहे थे। रथ पर वराह के चिन्ह वाली ध्वजा फहरा रही थी। उस रथ के ऊपर श्वेत छत्र लगा था, अनेक श्वेत झंडे फहरा रहे थे। ऐसे चिन्हों से वह चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उसका लोहे का रथ अनेक हीरे मोती और सुवर्ण विभूषित था। ऐसे रथ में बैठकर आए जयद्रथ ने अपने बड़े भारी धनुष पर एक टंकार दी और जहां अभिमन्यु ने अनेक कौरव योद्धाओं को मार डाला था, उसी स्थान को पांडव योद्धाओं के शवों से भर दिया। उसने सात्विकी को 3, भीमसेन को 8, दृष्टद्युम्न को 60, विराट को 10, द्रुपद को 5, शिखंडी को 7, कैकेयी को 25, द्रौपदी के पुत्रों को 3-3 बाण और युधिष्ठिर को 60 बाणों से पीड़ा दी। रण क्षेत्र में यह एक आश्चर्य का काम हुआ। इतने में ही प्रतापी युधिष्ठिर ने हंसते हंसते कहा, अभी मैं अपने बाणों से तेरे बाणों को काट डालता हूँ। युधिष्ठिर ने जयद्रथ के बाणों को काटकर एक बाण से उसका धनुष काट डाला। जयद्रथ ने पलक झपकते ही दूसरा धनुष हाथ में लेकर युधिष्ठिर पर 10 बाण चलाए और अनेक बाण मारकर भीमसेन के अश्वों को मार डाला। उसके हाथ की फुर्ती को देखकर भीमसेन ने 3-3 भल्लों से जयद्रथ की ध्वजा, धनुष और छत्र को काटकर भूमि पर गिरा दिया और मरे हुए घोड़ों वाले रथ से कूदकर भीमसेन एक छलांग मारकर सात्विकी के रथ पर जा चढ़े। हे महाराज, आपके सैनिक सिंधुराज के इस अद्भुत कर्म को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और वे सिंधुराज का मनोबल बढ़ाने के लिए साधु साधु कहने लगे। जिस प्रकार अकेले जयद्रथ ने सभी पांडवों को रोक रखा था, उसके इस कर्म को देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। चक्रव्यूह के अंदर घुसे सुभद्रा नंदन ने उत्तर दिशा की ओर हाथी सवारों को मारकर पांडवों के लिए एक मार्ग बनाया, किंतु जयद्रथ ने वहां पहुंचकर उस मार्ग को भी रोक दिया। चक्रव्यूह के बाहर खड़े सभी पांडव, मत्स्य, पांचाल और केकेय योद्धाओं ने बड़ा भारी उद्योग किया, परंतु वे जयद्रथ को किसी भी प्रकार वहां से हटा ना सके। पांडव पक्ष का जो भी योद्धा द्रोण के व्यूह को तोड़ता था, वरदान के कारण जयद्रथ उसे पीछे हटा देता था। दूसरी ओर सत्य प्रतिज्ञ अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर ऐसा तांडव कर रहा था जैसा समुद्र में कोई तेजस्वी मगरमच्छ करता है। जब शत्रु दमन करता अभिमन्यु बाणों से कौरव सेनों को व्याकुल कर रहा था, तब सभी श्रेष्ठ महारथी उसके ऊपर चढ़ाए। उन महाबली कौरवों और अभिमन्यु के बीच अत्यंत ही दारुण युद्ध होने लगा। हे महाराज, आपके योद्धाओं ने अभिमन्यु के रथ को अपने रथों से चारों ओर से घेर लिया। इतने में ही अभिमन्यु ने वृषसेन के सारथी को मारकर उसके धनुष को काट डाला। उस बलि वृषसेन ने भी अभिमन्यु के घोड़ों को सीधे जाने वाले बाणों से घायल कर दिया।
उस आघात से अभिमन्यु के वेगवान अश्व बिदक कर भागने लगे। अचानक इस विपत्ति को आई देखकर अभिमन्यु का सारथी उनके रथ को दूर निकाल कर ले गया। ऐसा होता देख कौरव पक्ष के योद्धा जोर जोर से चिल्लाने लगे, ठीक हुआ ठीक हुआ। अभिमन्यु सिंह के समान क्रोध से भरकर शत्रुओं को मारता हुआ पुनः शत्रु सेना के समीप आ पहुंचा। अभिमन्यु को आता देख वसातीय नामक योद्धा उसके ऊपर चढ़ आया। उसने सुनहरी पूंछ वाले 100 बाण अभिमन्यु की ओर चलाए और चिल्लाते हुए बोला, यदि युद्ध में मैं जीता रहा तो तू मेरे हाथ से जीवित बचकर आज नहीं जा सकेगा। लोहे का कवच पहनने वाले वसातीय पर अभिमन्यु ने एक दूर तक जाने वाला वेगवान बाण मारा और वसातीय प्राण रहित होकर भूमि पर गिर गया। वसातीय को इस प्रकार मरा हुआ देखकर सभी क्षत्रिय राजा क्रोध से भर गए और उन्होंने अभिमन्यु को चारों ओर से पुनः घेर लिया। वे सब अपने धनुषों पर टंकार देने लगे। अभिमन्यु से उनका भयंकर युद्ध होने लगा। सुभद्रा नंदन ने क्रोध में भरकर उनके बाण धनुष और शरीर से सटा मस्तक काट कर उड़ा दिए। योद्धाओं के शरीर छिन्न भिन्न हो गए, घोड़े सारथी मारे गए। वह रणक्षेत्र मरे हुए शरीरों और टूटे हुए रथों से भर गया। अभिमन्यु रणक्षेत्र में इस प्रकार दशों दिशाओं में घूम रहा था कि उसका शरीर दिखाई ही नहीं देता था, सिर्फ उसके द्वारा छोड़े गए बाण ही दिख रहे थे। अभिमन्यु के इस प्रकार वेग से घूमते रथ की चाल को वहां उपस्थित कोई योद्धा समझ नहीं पा रहा था और उस रथ से निकलते बाण सीधे शत्रुओं के प्राण हरते जा रहे थे। संजय ने कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, जिस प्रकार समय आ जाने पर काल सब प्राणियों को नष्ट कर देता है, वैसे ही अभिमन्यु उन शूर वीरों के प्राण हरने लगा। इंद्र के समान पराक्रमी इंद्र के पुत्र का पुत्र बलवान अभिमन्यु सेना को मथता जा रहा था। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार में प्रवेश कर परशुराम के समान पराक्रमी अभिमन्यु ने सत्यश्रवा को ऐसे दबोच लिया जैसे सिंह हिरण को दबोच लेता है। सत्यश्रवा को छुड़ाने की शीघ्रता से भरकर अनेक योद्धा अभिमन्यु की ओर भागे और पहले मैं मारूं का शोर करते हुए अर्जुन के पुत्र को मारने की इच्छा से उसके समीप जा पहुंचे। जिस प्रकार एक विशाल मछली छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लेती है, वैसे ही अभिमन्यु उन सैनिकों की ओर झपटा। जो वहां से भागे नहीं, वे समुद्र में गिरती नदी के समान उसमें समा गए, अर्थात वे सब मारे गए। रुक्मरथ नामक मद्र नरेश का बलि पुत्र निडर होकर भागती सेना को रोकते हुए कहने लगा, हे वीरों, तुम इस प्रकार मत डरो। मेरे होते हुए यह अभिमन्यु भला क्या चीज है, मैं निसंदेह उसे जीवित ही पकड़ लूंगा। ऐसा कहकर रुक्मरथ एक शोभायमान रथ में बैठकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा। उसने 3 बाण अभिमन्यु की छाती में, 3 बाण दाहिनी भुजा में और 3 बाण बाएं भुजा में मारकर गर्जना की। अभिमन्यु ने शीघ्रता से रुक्मरथ का धनुष और एक भुजा काटकर भूमि पर गिरा दी। ऐसा देखकर रुक्मरथ के मित्र राजकुमार, जो संग्राम के लिए उतावले थे, चारों ओर से बाण वर्षा करते हुए अभिमन्यु को घेरने लगे। उन राजकुमारों ने अभिमन्यु को बाणों से मानो ढक दिया। यह देख दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ और उसने सोचा कि बस अब अभिमन्यु यमलोक पहुंच ही गया समझो। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार को पार कर जब अभिमन्यु युद्ध कर रहा था, तब कौरव योद्धाओं ने उस पर इतने बाण बरसाए कि उसका रथ मानो पूर्ण रूप से ढक गया। तब अभिमन्यु बिंद जाने पर क्रोध से भर गया और उसने गंधर्वास्त्र छोड़कर कौरव पक्ष के अस्त्रों को काट दिया। अब अभिमन्यु अपने रथ को इस प्रकार विचित्र ढंग से चलाने लगा जो किसी की समझ में नहीं आ रहा था। हे महाराज, अर्जुन ने तप करके तुम्बुरु आदि गंधर्वों से इस गंधर्वास्त्र को प्राप्त किया था। अभिमन्यु का छोड़ा ये गंधर्वास्त्र विचित्र रूप से सहस्त्रों प्रकार के अस्त्र समूहों को बड़ी तीव्रता से छोड़ता था। अभिमन्यु के गंधर्वास्त्र रथ चलाने की युक्ति और उस रथ से छूटे बाणों ने वहां उपस्थित योद्धाओं को मोह में डाल दिया। अनेक राजाओं के शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जिस प्रकार फलों से लदे पेड़ वायु के वेग से टूटकर गिर जाते हैं, वैसे ही अभिमन्यु द्वारा अनेक राजपुत्र मरे पड़े दिखाई देते थे। जिस प्रकार अभिमन्यु ने उन सुख में पले भड़े राजपुत्रों को मार डाला, यह देखकर दुर्योधन डर गया और क्षण भर में ही क्रोध से भरकर अपना आपा खोकर अभिमन्यु की ओर झपटा। हे महाराज, एक क्षण के लिए
अभिमन्यु और आपके पुत्र दुर्योधन के बीच युद्ध हुआ। अभिमन्यु के सैकड़ों बाणों से बिंधकर दुर्योधन वहां से तुरंत पलायन कर गया। धृतराष्ट्र ने कहा, हे सूत, तू कहता है कि अकेले उस महात्मा अभिमन्यु ने असंख्य योद्धाओं के साथ घोर संग्राम किया और उन पर विजय पाई। अभिमन्यु के इस पराक्रम पर विश्वास नहीं होता, किंतु जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके विषय में ऐसा होना कोई अधिक अचरज की बात भी नहीं है। मुझे आगे बताओ कि जब दुर्योधन वहां से पीठ दिखाकर पलायन कर गया तो उन्होंने अभिमन्यु को मारने के लिए कौन सा उपाय किया था? हे महाराज, वहां खड़े योद्धा अपने मरे हुए भाई, पिता, मित्रों, पुत्रों और बंधु बांधवों को छोड़ हाथी और घोड़ों को दौड़ाकर भागने लगे। सेना को इस प्रकार भागती देख द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्वल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी क्रोध से भरकर उस अजित अभिमन्यु पर चढ़ गए। अभिमन्यु ने बाण वर्षा कर उन्हें अनेक बार पीछे हटाया। अकेला लक्ष्मण, जो बालकपन से ही अत्यंत सुख से पला बढ़ा था और बड़े घमंड से निर्भय बनता था, वह तेजस्वी लक्ष्मण ही उस समय वहां खड़ा रह सका। उसके पीछे पुत्र प्रेम में दुर्योधन आकर खड़ा हुआ और दुर्योधन के पीछे बाकी सब योद्धा। जिस प्रकार मेघ पर्वत पर जल बरसाते हैं, वैसे ही सब कौरव योद्धा मिलकर अभिमन्यु पर बाण बरसाने लगे। परंतु जिस प्रकार चारों ओर से बहने वाली वायु मेघों को उड़ा देती है, उसी प्रकार अभिमन्यु ने उन सब के बाणों को छिन्न भिन्न कर डाला। हे महाराज, उस समय दुर्धर्ष किंतु देखने में प्यारा लगने वाला आपका पोता लक्ष्मण, जो दुर्योधन के आगे खड़ा था, उसके सामने अभिमन्यु एक मतवाले हाथी की तरह आया। अभिमन्यु ने अति तीक्ष्ण बाण अति वेग से लक्ष्मण की भुजाओं में मारे और आपका पोता अभिमन्यु आपके दूसरे पोते लक्ष्मण से बोला, तुझे जो कुछ देखना हो भली प्रकार अभी देख ले, क्योंकि मैं तेरे बंधुओं के सामने ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। इतना कहकर अभिमन्यु ने एक भल्ल नामक बाण अपने धनुष पर चढ़ाया और उस बाण के छूटते ही सुंदर नाक, भौं और केशों वाला मस्तक मुकुट सहित कटकर दूर जा गिरा। लक्ष्मण के मारे जाने पर वहां समीप खड़े योद्धा हाहाकार करने लगे। अचानक अपने प्रिय पुत्र के मारे जाने से व्यथित और चकित दुर्योधन जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे इस अभिमन्यु को अभी मार डालो, मार डालो इसे। पीछे खड़े द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण और हृदिक पुत्र कृतवर्मा, इन छह महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। परंतु अर्जुन का पुत्र उन सब पर अति शीघ्रता से वेगवान बाण बरसाने लगा और उनके बीच से निकलकर सिंधु राज की सेना पर जा चढ़ा। अभिमन्यु को ऐसे जाते देखकर कलिंग सैनिक निषादगण और पराक्रमी क्राथ पुत्र अभिमन्यु के सामने हाथियों की सेना लेकर आए और उसका रास्ता रोक दिया। उनके बीच बड़ा भारी युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन पुत्र ने उस गज सेना को इस प्रकार नष्ट कर दिया जैसे आकाश में वायु बादलों के टुकड़े कर डालती है। इतने में ही क्राथ नामक योद्धा ने अभिमन्यु पर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। पल भर में ही द्रोण और अन्य महारथी अपने धनुषों पर टंकार देते हुए पुनः अभिमन्यु के समीप आ पहुंचे। उन सब ने अपने उत्तम अस्त्रों का उपयोग अर्जुन कुमार पर किया। अभिमन्यु ने उन सब के बाणों को नष्ट कर क्राथ पुत्र को मारने की इच्छा से अनेकों अनेक वेगवान बाण इतनी शीघ्रता के साथ चलाए कि क्राथ पुत्र को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसके धनुष, दोनों भुजाएं, मुकुट सहित शीश, ध्वज, सारथी घोड़े और रथ भूमि पर गिरा दिए। कीर्ति, शास्त्र ज्ञानी और बलवान क्राथ पुत्र के इस प्रकार अंत को देख बहुत से योद्धा फिर से युद्ध से मुंह फेरने लगे। धृतराष्ट्र बोले, इस प्रकार रथ को चलाने वाले और शत्रु दमन करने वाले इस अपराजित अभिमन्यु को अब चक्रव्यूह में किसने रोका? संजय बोले, महाराज, तुरंत ही उन्हीं छह योद्धाओं ने अभिमन्यु को पुनः घेर लिया। चक्रव्यूह के बाहर जयद्रथ पर बड़ा भारी आक्रमण हो रहा था। यह देखकर आपकी सेना युधिष्ठिर पर टूट पड़ी। इधर चक्रव्यूह के अंदर ताड़ के समान बड़े धनुष वाले योद्धा अभिमन्यु पर बाण बरसाने लगे, किंतु सब विद्याओं में निपुण वीरों को कुचलने वाले उस महाधनुर्धारी ने उन सब महाधनुषधारियों को अपने बाणों से सुन्न कर दिया। अभिमन्यु ने कान तक धनुष को खींचकर द्रोण पर 50, बृहद्वल पर 20, कृतवर्मा पर 80, कृपाचार्य पर 60 और अश्वत्थामा पर 10 बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। उन सब शत्रुओं के बीच खड़े कर्ण के कान को अपने एक बलशाली कर्णी नामक बाण से घायल कर दिया।
अगले ही क्षण उसने कृप के घोड़ों और सारथी को घायल कर कृपाचार्य की छाती में 10 बाण मारे। महाराज, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कौरव सेना के देखते देखते ही अभिमन्यु ने कौरवों की कीर्ति बढ़ाने वाले वृंदारक को यमलोक भेज दिया। तभी अश्वत्थामा ने शत्रुओं का संहार करते अभिमन्यु पर शुद्रक नामक 25 बाण छोड़े, जिससे अभिमन्यु घायल हो गया। तभी अभिमन्यु ने भी बिना घबराए अश्वत्थामा पर अति शीघ्रता से तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर डाली। अश्वत्थामा ने भी 60 चमचमाते बाणों से अभिमन्यु को छा दिया, परंतु उसके बाण मैनाक पर्वत के समान खड़े अभिमन्यु को कंपा न सके। अभिमन्यु ने क्रोध से भरकर अश्वत्थामा पर 73 बाण मारे। तभी समीप खड़े पुत्र प्रेम रखने वाले द्रोणाचार्य ने अभिमन्यु पर 100 बाण छोड़े। अपने पिता प्रेम के कारण अश्वत्थामा ने भी अभिमन्यु पर 8 बाण छोड़े। ऐसा होता देख बाकी योद्धाओं ने भी बाण छोड़े। कर्ण ने 22, कृतवर्मा ने 20, बृहद्वल ने 50 और कृपाचार्य ने 10 भल्ल बाण अभिमन्यु पर चलाए। अभिमन्यु ने भी हर दिशा से आते बाणों के जवाब में सबको 10-10 बाण मारे। तभी कौशल देश के राजा ने अभिमन्यु पर कर्णी नामक बाण मारा, जो अभिमन्यु की छाती को घायल कर गया। अभिमन्यु ने अनेक बाण मारकर उसके घोड़े, सारथी, ध्वजा, धनुष को काटकर भूमि पर गिरा दिया। रथ विहीन हुए कौशल राज हाथ में ढाल और तलवार लेकर अभिमन्यु का शीश काटने आगे बढ़ा। अभिमन्यु ने कौशल राज के हृदय में एक बलशाली बाण मारा और वह वहीं ढह गया। फिर अभिमन्यु ने भारी बाण वर्षा कर उसे अपशब्द कहने वाले अनेकों अनेक योद्धाओं को बृहद्वल सहित मार डाला। बृहद्वल का वध करके रण में सबको स्तब्ध करता हुआ विचरने लगा, हे महाराज, अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने पुनः एक बाण से कर्ण के कान पर चोट पहुंचाई और उसे क्रोध दिलाने की चेष्टा में 50 बाण उसकी ओर चलाए। राधापुत्र कर्ण ने भी उतने ही बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। रक्त की अनेक धाराएं बह निकली। अभिमन्यु ने भी एक जोरदार आक्रमण किया और वैसे ही रक्त की धार कर्ण के शरीर से भी बह निकली। हे महाराज, दोनों महावीर खून से नहाए बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर अभिमन्यु ने विचित्र युद्ध करने वाले कर्ण के 6 मंत्रियों को सारथी और अश्व सहित मार डाला। तुरंत घूमकर बिना घबराए उसने पुनः 10-10 बाणों से अन्य महाधनुर्धारियों को आहत कर दिया। वहां ये अद्भुत सी बात हुई, भयंकर बाण वर्षा करते हुए उसने दूर तक सीधे जाने वाले बाणों से मगध राज के पुत्र को 6 बाण मारकर घोड़े और सारथी सहित तरुण अश्व केतु को भी मार डाला। जिस मार्तिकावत देश के राजा भोज, जिसकी ध्वजा पर हाथी का चिन्ह था, उसे शूरप्र बाण से मारकर अभिमन्यु गरजने लगा। तभी दूसरी दिशा से दुशासन के पुत्र ने 4 बाण मारकर अभिमन्यु के चारों अश्वों को घायल कर दिया। एक बाण सारथी और 10 बाण अभिमन्यु पर चलाए। यह देखकर अर्जुन कुमार के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने दुशासन पुत्र को 7 बाणों से बींध डाला और गरजते हुए बोला, अरे, तेरा पिता तो कायर की भांति युद्ध छोड़कर भाग गया था। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तू भी युद्ध करना जानता है, किंतु आज तू जीवित नहीं छूटेगा। चक्रव्यूह के भीतर दुशासन के पुत्र को ललकारने के बाद अभिमन्यु ने लुहार के द्वारा धार चढ़ाए बाण दुशासन के पुत्र पर छोड़े, किंतु अश्वत्थामा ने सामने आकर 3 बाणों से उन्हें काट डाला। ऐसा होता देख इस अर्जुन पुत्र ने अश्वत्थामा की ध्वजा को काटकर समीप खड़े शल्य को 3 बाण मारे। संजय बोले, हे राजन, शल्य ने निडर होकर अभिमन्यु की छाती में गिद्ध के पंखों वाले 9 बाण मारे। ये अचरज का सा काम हुआ। बाणों की मार झेलकर शीघ्र ही अभिमन्यु ने शल्य की ध्वजा पर प्रहार कर उसे काट डाला तथा शल्य की रक्षा में लगे दोनों पार्श्व रक्षकों तथा उनके सारथी को मारकर शल्य को भी लोहे के 6 बाणों से बींध डाला। शल्य तुरंत ही दूसरे रथ पर कूद गए। अभिमन्यु ने शत्रुंजय, मेघवेग, चंद्रकेतु, सुवर्चा और सूर्यभास इन 5 को भारी बाण वर्षा करके मार डाला। साथ ही शकुनी को भी बाण मारकर घायल कर दिया। शकुनी ने भी अभिमन्यु को 3 बाण मारकर दुर्योधन से कहा, इस अभिमन्यु को सभी मिलकर कुचल दो, अगर अलग अलग होकर लड़ोगे तो ये एक एक करके सबको मार डालेगा। तभी वैकर्तन कर्ण द्रोणाचार्य से बोले, हे आचार्य, ये अभिमन्यु पहले से ही हम सबको मसल रहा है, इसे मारने का उपाय
आप शीघ्र ही बताइए। तब महाधनुर्धारी द्रोणाचार्य ने उन सब से कहा, तुम में से कोई ऐसा है जो इस योद्धा को मारने का क्षण भर का अवसर भी देख पा रहा हो? मनुष्य में सिंह के समान ये पांडव पुत्र अभिमन्यु सभी दिशाओं में इतने वेग से घूम रहा है, इसकी फुर्ती तो देखो। यह कुमार इतनी अधिक फुर्ती से बाणों को चढ़ाता और छोड़ता है कि रथों के बीच मात्र बाणों का समूह ही दिखाई देता है, परंतु क्षण भर में ही वह कहां निकल जाता है यह प्रतीत ही नहीं होता। यह शत्रुनाशक सुभद्रा नंदन मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहा है और मुझे घबराए दे रहा है, परंतु मुझे बहुत ही प्रसन्न भी कर रहा है। रथ में बैठे इस बालक का पराक्रम देख मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है। शोभ से भर जाने पर भी महारथी इसे बाण मारने का एक भी छिद्र नहीं देख पा रहे हैं। ये बड़े बड़े अस्त्रों को युद्ध में सभी दिशाओं में चला रहा है। अर्जुन और इस बालक में मुझे कोई अंतर मालूम नहीं होता। तभी अभिमन्यु के बाणों से घायल कर्ण ने द्रोणाचार्य से फिर कहा, हे आचार्य, अभिमन्यु के बाणों से पीड़ा पाकर मैं यहाँ इसलिए ही खड़ा हूँ क्योंकि एक योद्धा को सदा खड़ा ही रहना चाहिए। आज इस तेजस्वी कुमार के परम दारुण अग्नि के समान तेज बाण मेरे हृदय को चीर डाल रहे हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य खिलखिलाकर हंस पड़े। वे धीरे से कर्ण से बोले, इसका कवच अभेद्य है और यह तरुण कुमार बड़ा पराक्रमी है। मैंने इसके पिता अर्थात अर्जुन को कवच धारण करने की जो विद्या सिखाई थी, उन सब विद्याओं को ये शत्रुनगर को जीतने वाला कुमार निश्चित प्रकार से जानता है। इसलिए हे महाधनुर्धर राधा पुत्र कर्ण, तू यदि अपने बाणों को एकदम स्थिर करके इसके धनुष की प्रत्यंचा, रथ का जुआ, अश्व और सारथी को काट सकता है तो काट डाल। फिर इसको रण में रथ विहीन कर भगा और पीछे से इसका नाश कर दे। परंतु जब तक इसके हाथ में धनुष है, देवता और असुर भी मिलकर इसे नहीं जीत सकते। यदि तेरी इच्छा हो तो इसे रथ और धनुष विहीन कर दे। आचार्य की इस बात को सुनकर कर्ण ने एकदम सधे हुए और स्थिर बाणों से अभिमन्यु के धनुष को काट डाला। कृतवर्मा ने इसके घोड़ों को मार डाला। कृपाचार्य ने पार्श्व रक्षकों और सारथी को मार डाला। इतने महारथियों के एक साथ चले बाणों से रथ और धनुष विहीन हुए अभिमन्यु पर पल भर में ही बाकी सभी योद्धा बाण बरसाने लगे। संजय बोले, हे महाराज, निर्दयी छह महारथी इकट्ठे होकर बालक पर बाण बरसाने लगे। उस समय भी टूटे हुए धनुष और रथ विहीन अभिमन्यु ने अपने धर्म का पालन किया। उसने तलवार और ढाल हाथ में लेकर अत्यंत फुर्ती से आकाश में घूमते गरुड़ के समान चुन चुन कर प्रहार करने शुरू किए। अब सभी कौरव योद्धा अभिमन्यु के आक्रमण में छिद्र देख पा रहे थे। यह मानकर कि अभिमन्यु का अगला प्रहार उस पर ही होगा, सभी योद्धा उस महाधनुर्धारी पर बाणों का प्रहार करने लगे। तभी तेजस्वी द्रोणाचार्य ने शूरप्र बाण मारकर उसकी मुट्ठी में ही उस मणिमय तलवार के टुकड़े कर डाले। शत्रुजित राधापुत्र कर्ण ने भी शूरप्र बाण मारकर अभिमन्यु की उत्तम ढाल के टुकड़े कर दिए। ढाल और तलवार के नष्ट हो जाने पर और शरीर एवं कवच में बाण घुस जाने पर भी अभिमन्यु पृथ्वी पर खड़ा रहा। तभी वह चक्र लेकर द्रोणाचार्य की ओर दौड़ा। उस समय चक्र के प्रकाश और रण की धूल से अभिमन्यु का शरीर शोभा पा रहा था। उसकी सूरत अत्यंत भयानक दिख रही थी। उसने क्षण भर के लिए चक्रपाणि श्री कृष्ण जैसा रूप दिखाया। रुधिर से लाल लाल वस्त्रों वाला, टेढ़ी भ्रकुटियों से व्याकुल प्रतीत होता हुआ और सिंह के समान गरजता हुआ असमर्थ अभिमन्यु इस समय सभी राजाओं और महारथियों के मध्य बड़ा शोभायमान दिख रहा था। संजय बोले, श्री कृष्ण की बहन का पुत्र उस समय विष्णु के चक्र के समान चक्र हाथ में लिए दूसरे चक्रपाणि जैसी शोभा पा रहा था। उस समय अभिमन्यु के केश उड़ रहे थे। वह ऊंची उठी हुई भुजाओं से चक्र को आयुध बनाकर धारण करके खड़ा था। उस समय उसका संपूर्ण शरीर ऐसे तमतमा रहा था मानो देवता भी उसकी ओर न देख सकें। उसके इस रूप को देखकर सभी योद्धा घबराए से खड़े थे कि न जाने अब ये योद्धा किसे मार डालेगा। अनेक बाण छोड़कर उन्होंने उस चक्र के भी टुकड़े कर डाले। तभी अभिमन्यु ने समीप पड़ी गदा उठाई और अश्वत्थामा की ओर दे मारी। अश्वत्थामा ने वज्र के समान आती उस गदा को तीन पैर पीछे करके निकल जाने दिया। इतने में ही एक और गदा हाथ में लिए अभिमन्यु ने समीप पहुंचकर अश्वत्थामा के घोड़े, सारथी और पार्श्व रक्षकों को
एक एक प्रहार करके मार डाला। अभिमन्यु का शरीर मानो बाणों से भरा सा प्रतीत हो रहा था, किंतु वह अभी भी पैर जमाकर युद्ध कर रहा था। उसने सुबल पुत्र कालिकेय, जो शकुनी का भाई था, तथा उसके गंधार दासों को गदा के प्रहार से मार डाला। समीप खड़े 10 वसातीय और 7 केकय योद्धाओं को भी मौत के घाट उतार दिया। भयंकर गदा प्रहारों से दुशासन के पुत्र के रथ और घोड़ों को मार डाला। संजय बोले, हे महाराज, ऐसा होता देख दुशासन के पुत्र को अत्यंत क्रोध आ गया। वह अपनी भारी भरकम गदा उठाकर अभिमन्यु के ऊपर झपटा और अभिमन्यु से कहने लगा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। दोनों रथ विहीन योद्धा अपनी अपनी गदा उठाकर शिव और अंधकासुर जैसा युद्ध करने लगे। गदा के अग्रभाग से एक दूसरे को मारकर भूमि पर गिर पड़े, परंतु कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाला दुशासन का पुत्र पलक झपकते ही खड़ा हो गया और उसने पृथ्वी से उठते अभिमन्यु के शीश पर एक बलशाली गदा प्रहार कर डाला। गदा के प्रचंड प्रहार और अथक परिश्रम के कारण शत्रु संहार करता अभिमन्यु व्याकुल और मूर्छित होकर भूमि पर जा गिरा। संजय बोले, हे महाराज, अनेकों अनेक योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को रण में मारा था। जिस प्रकार एक हाथी संपूर्ण सरोवर को मच डालता है, उसी प्रकार सारी कौरव सेना को शुद्ध करके वह अनेक बाघों के द्वारा मारे गए जंगली हाथी की भांति रण में मरा पड़ा शोभा पा रहा था। रणभूमि में मरे पड़े शूरवीर अभिमन्यु को आपके सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया, जैसे ग्रीष्म ऋतु में आग जंगल को जलाकर बुझ गई हो, जिस प्रकार प्रचंड वायु वृक्षों को तोड़ फोड़ कर शांत हो गई हो, जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लगा हो, उसी प्रकार समस्त कौरव सेना को संतप्त करके चंद्रमा के समान मुख वाला अभिमन्यु पृथ्वी पर पड़ा था। उसके सर के बड़े बड़े बालों से उसका मुख ढक गया था। हे महाराज, उसे इस प्रकार मरा पड़ा देखकर आपके महारथी बारंबार सिंहनाद कर रहे थे। आपके पुत्रों को तो बड़ा हर्ष हुआ, किंतु पांडवों के नेत्रों से आंसू बह निकले। द्रोण, कर्ण आदि 6 महारथियों द्वारा मारा गया वह बालक वहां मृत्यु निद्रा में सो रहा था। इसे हम धर्म नहीं समझते। सुवर्ण पंखों वाले बाणों से वहां की भूमि भरी हुई थी, रक्त की अनेक धाराओं से सुसज्जित हो रही थी। वीरों के तेजस्वी मस्तक, पताकाएं, हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कंबल, इधर उधर बिखरे उत्तम वस्त्र, घोड़ों, हाथियों और मनुष्यों के चमकीले आभूषण, अनेकों अनेक खड़ग, भांति भांति के धनुष और नाना प्रकार के आयुधों से उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। अभिमन्यु द्वारा मारे गए रक्त स्नात निर्जीव और घायल योद्धाओं के शरीरों, अश्वों, हाथियों के शरीरों से वह भूमि विषम दुर्गंध से भरती जा रही थी। वहां की पृथ्वी वीर पुरुषों के मन में भी भय उत्पन्न कर दे ऐसी दिखाई दे रही थी। हे राजन, जिसे अभी पूर्ण यौवन भी प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे बालक किंतु महाबलशाली अभिमन्यु को मरा देखकर पांडव सेना युधिष्ठिर के देखते देखते ही भागने लगी। इस प्रकार सेना को भागती देख युधिष्ठिर ने उन वीरों से कहा, रण में इस बालक अभिमन्यु ने मरने का अवसर आने पर भी पीठ नहीं दिखाई, वह निश्चित ही स्वर्ग में गया होगा। हे वीरों, तुम इस प्रकार डरो मत, धीरज रखो और डटे रहो, हम निश्चित ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। धर्मराज ने दुख से व्यथित योद्धाओं से ऐसा कहकर उनके दुख को दूर करने का प्रयास किया। संजय बोले, हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी अभिमन्यु, जिसने युद्ध में अनगिनत रथी और महारथी कौसर राज को मारा था, वह निश्चित ही स्वर्ग लोक को गया होगा। ऐसे योद्धा शोक करने के योग्य नहीं होते। उस श्रेष्ठ पुरुष को मारकर सायंकाल के समय सेना छावनी की ओर लौट गई। अभिमन्यु वध के बाद सभी पांडव महारथी अपने कवच और आयुधों को त्याग कर राजा युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए और अभिमन्यु वध पर दुखी हो चिंतन करने लगे। युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने के कारण अत्यंत दुख से विलाप करने लगे। युधिष्ठिर बोले, इतने महारथियों को जीतने के बाद और द्रोणाचार्य के निर्बाध व्यूह को नष्ट करके और अद्भुत पराक्रम के दर्शन कराकर हमारा वीर पुत्र रण क्षेत्र में सो रहा है। विलाप करते युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पराक्रम के बारे में अनेक बातें कही और अंत में बोले, अभिमन्यु के इस प्रकार मारे जाने पर मैं अर्जुन के सम्मुख किस प्रकार नेत्र उठा सकूंगा, सुभद्रा के सम्मुख किस प्रकार जाऊंगा। लोभी मनुष्य लोभ में उपस्थित किसी भी दोष को नहीं समझता, वह लोभ
और मोह के वशीभूत होकर उसमें सतत लगा रहता है। मैंने मधु के समान मधुर लगने वाले राज्य को पाने की लालसा के वशीभूत होकर यह नहीं देखा कि इसमें ऐसे भयंकर पतन का भी भय है और एक सुकुमार को युद्ध में इस प्रकार आगे कर दिया। मैंने ये भी विचार नहीं किया कि वह तरुण कुमार अभी भी बालक ही था, युद्ध की कला में पूरा पारंगत भी नहीं हुआ था, फिर वह उस भीषण संग्राम में कैसे सकुशल रह सकता था। हम आज युद्ध में जीवित तो बच गए, किंतु अर्जुन के शोकाकुल नेत्र अवश्य हमें दग्ध कर डालेंगे, जिसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं, जिसने निवात कवच और कालिके नामक दैत्यों का विनाश किया है, जिसने हिरण्यपुर निवासी इंद्रशत्रु पौलोम नामक दानवों का उनके गणों सहित संहार कर डाला था, और जो शत्रुओं को भी अभय दान देता है, उसके बलवान पुत्र की हम सब मिलकर भी रक्षा न कर सके। अब धृतराष्ट्र पुत्रों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। अपने पुत्र के वध से कुपित हुए अर्जुन कौरवों का समूल नाश कर डालेगा। देवेंद्र कुमार अर्जुन के इस पुत्र को रण क्षेत्र में मारा गया देख अब मुझे राज्य, विजय, अमरत्व तथा देवलोक की प्राप्ति भी प्रसन्न नहीं कर सकती। संजय बोले, महाराज, जब कुंती पुत्र युधिष्ठिर इस प्रकार विलाप कर रहे थे, तभी वहां महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी आ पहुंचे। उनका आदर सत्कार कर शोकाकुल युधिष्ठिर उनसे बोले, मुनिवर, अनेकों अनेक अधर्म परायण महाधनुर्धर महारथियों ने चारों ओर से घेर कर रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को असहाय अवस्था में मिलकर मार डाला है। मैंने युद्ध स्थल में उससे कहा था कि तुम व्यूह में हमारे प्रवेश के लिए द्वार बना दो, तब वह तो द्वार बनाकर भीतर प्रविष्ट हो गया, और जब हम लोग उसी द्वार से व्यूह में प्रवेश करने लगे, उस समय सिंधु राज जयद्रथ ने हमें वहीं रोक दिया। क्षत्रियो को अपने समान साधन संपन्न वीर के साथ ही युद्ध करने की इच्छा करनी चाहिए। कौरवों ने जो अभिमन्यु के साथ इस प्रकार युद्ध किया है, यह कदापि समान नहीं था। इस प्रकार शोक से व्याकुल चित्त से भरे और विलाप करते हुए राजा युधिष्ठिर से भगवान वेद व्यास जी ने ये सब वृतांत कहा। तब वेद व्यास जी बोले, यह पुरुषोत्तम अभिमन्यु अत्यंत शूरवीर था। इसने रण क्षेत्र में महापराक्रम करके बहुत से शत्रुओं को मारकर स्वर्ग लोक की यात्रा की है। यह विधाता का ब्रह्म विधान है, इसका कोई भी जीव उल्लंघन नहीं कर सकता। मृत्यु तो देवताओं, दानवों तथा गंधर्वों के भी प्राण हर लेती है। युधिष्ठिर बोले, मुने, ये महाबली भूपालगण अर्थात राजा सेना के मध्य में मारे जाकर मृत नाम धारण करके पृथ्वी पर सो रहे हैं, अर्थात अब उनकी पहचान मात्र मृत शरीर से ही है। इनमें से कितने ही राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान थे तथा कितनों के वेग और बल वायु के समान थे। ये सब मनुष्य एक समान रूप वाले हैं, जो दूसरे मनुष्यों द्वारा युद्ध में मार डाल दिए गए हैं। इन प्राण शक्ति संपन्न वीरों का युद्ध में कहीं कोई वध करने वाला मुझे नहीं दिखाई देता था, क्योंकि ये सबके सब पराक्रम और तपोबल से संयुक्त थे। जिन योद्धाओं के चित्त में नित्य विजय पाने की ही धुन सवार रहती थी, फिर चाहे वे बुद्धिमान ही क्यों ना हो, आयु क्षीण होने के उपरांत भूमि पर गिर जाते हैं। उनके विषय में मर गए यह शब्द सार्थक सा होता दिखता है, किंतु जो योद्धा क्रोध में भरकर युद्ध करते करते शत्रुओं के वश में पड़कर मारे गए, उस समय उनका समस्त अभिमान भी गल गया। यहां मुझे संदेह होता है कि उनके लिए यह शब्द मर गए कैसे प्रासंगिक हुआ, और यहां आखिर मृत्यु किसकी हुई, मृत्यु कौन है, मृत्यु कैसे होती है, और प्रजाओं अर्थात ब्रह्मा द्वारा रची गई प्रजा का संहार कैसे करती है, और यह मृत्यु परलोक में किस प्रकार ले जाती है। हे देव रूपी पितामह, यह सब मुझे बताइए। तब भगवान वेदव्यास जी ने शोक को शांत करने वाले वचन कहे। वेदव्यास जी ने कहा, इस विषय में एक पुरातन इतिहास को लोग कहा करते हैं, उसको सबसे पहले नारद जी ने राजा अकंपन से कहा था। उस राजा अकंपन को भी इस लोक में ऐसा पुत्र शोक सहना पड़ा था। मृत्यु की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भेद मैं तुमसे कहता हूँ, जिसे सुनकर तू दुख और मोह के बंधन से छूट जाएगा। यह आख्यान शुभ फलदायक है। पहले जब सतयुग था, उस समय एक अकंपन नामक राजा था। वह भयंकर संग्राम में शत्रुओं के बीच घिर गया। उसका एक हरि नाम का पुत्र था, जो बल में
नारायण के समान अस्त्र विद्या में कुशल, बुद्धिमान और युद्ध करने में इंद्र के समान था। वह युद्ध में शत्रुओं के बीच घिर गया। उस समय उस कुमार योद्धा ने हाथियों पर सहस्त्रों बाण बरसाए। वह अत्यंत दुष्कर कर्म करके सेना के बीच शत्रुओं के हाथों मारा गया। राजा अकंपन को यह देखकर बड़ा भारी शोक भर आया। वे पुत्र का अंतिम संस्कार करके दिन रात उसी शोक में लीन रहने लगे। उनकी अंतरात्मा को तनिक भी सुख नहीं मिलता था। राजा अकंपन के महान शोक को देख देवऋषि नारद उनके सम्मुख आए। नारद जी का अतिथि सत्कार करके उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का वृत्तांत भली प्रकार कह सुनाया। वे बोले, देवऋषि, मेरा पुत्र इंद्र और विष्णु के समान तेजस्वी, महापराक्रमी और अत्यंत बलवान था, परंतु युद्ध में बहुत से शत्रुओं ने एक साथ मिलकर उसे मार डाला है। भगवान, यह मृत्यु क्या है? इस मृत्यु का बल और वीर कैसा है? अर्थात मृत्यु के जीवन का आधार अथवा मूल क्या है? हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महर्षि, मैं यह सब यथार्थ रूप में आपसे सुनना चाहता हूँ। तब नारद जी ने उस राजा के शोक को दूर करने वाले इस बड़े भारी आख्यान को इस प्रकार कहा था। नारद जी बोले, हे राजन, यह सब जिस प्रकार हुआ है और जिस प्रकार मैंने सुना है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने जब आदि समय में इस जगत अर्थात उनकी प्रजा को रच दिया, तब उसका संहार न होता देख वे उसके निरंतर बढ़ते रहने की चिंता करने लगे। परंतु महातेजस्वी ब्रह्मा जी गहन विचार करने पर भी यह न जान सके कि इस जगत का संहार किस प्रकार किया जाए। अतः उनको क्रोध भर आया और क्रोध के कारण आकाश में अग्नि उत्पन्न हो गई। वह भयंकर अग्नि इस जगत के समस्त कोनों में भर गई। समर्थ ब्रह्मा जी ने उन अग्नि की लपटों से इस चराचर जगत को भस्म करना प्रारंभ कर दिया। उनके क्रोध से समस्त भूत भस्म होने लगे। ध्यान रहे, स्थूल तत्व को भूत कहा जाता है। ऐसा होता देखकर निशाचर पति रुद्रदेव परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की शरण में गए। प्रजा के हित की इच्छा से आए शिव जी से परम मुनि ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र रुद्र, तू अपनी इच्छा से उत्पन्न हुआ है और वर पाने का पात्र है। अतः जो तेरी इच्छा हो उसे मेरे सम्मुख प्रकट कर। जो अभिष्ट अर्थात योग्य होगा मैं उसे पूर्ण करूंगा। शिव जी बोले, हे सर्वव्यापक ब्रह्मदेव, आपने इस जगत अर्थात प्रजा को रचने के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया है। नाना प्रकार के प्राणियों को उत्पन्न किया है तथा अब उनकी वृद्धि भी हो गई है। आपके द्वारा उत्पन्न प्रजा आपके क्रोध से ही भस्म हो रही है। यह देखकर मुझे उन पर दया आती है। हे प्रभु, हे भगवान, प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, मेरी इच्छा प्रजाओं का संहार करने की नहीं थी। मेरी इच्छा थी कि यह ऐसी ही बनी रहे, किंतु इस धरा का हित करने के लिए मुझे क्रोध आ गया। हे महादेव, भूदेवी ने भार से पीड़ित होकर मुझसे संहार करने की प्रार्थना की थी। इस अनंत और नाना प्रकार के जगत का संहार करने के लिए मैंने बड़ा विचार किया, किंतु मुझे कोई उपाय न सूझा। इसी कारणवश मुझे क्रोध चढ़ आया। इस क्रोधाग्नि से यह संसार स्वतः ही भस्म हो रहा है। शंकर जी बोले, हे वसुधा प्रिय, आप प्रजा का संहार करने के लिए इस प्रकार क्रोध न करें। इस जगत और स्थाई प्रजा को इस प्रकार नष्ट न करें। आपकी कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान से बना ये जगत सदा रहे, ऐसा ही कीजिए। आपके क्रोध से जो अग्नि उत्पन्न हुई है वह पत्थर, पहाड़, वृक्ष, नदियां, जलाशय सहित इस सकल जगत को भस्म कर रही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए और मुझे वर दीजिए जिससे आपका यह तेज आप में ही विलय हो जाए। आप शीघ्र ही किसी ऐसे उपाय को करिए जिससे आपकी बनाई ये सब प्रजा नष्ट होने से बच जाए। हे आदिदेव, आपने लोकों का संहार करने का कार्य मुझे सौंपा था, अतः आपका ऐसा करना उचित नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने शंकर जी की बात को सुनकर प्रजा का हित करने के लिए उस तेज को अपने में ही लीन कर लिया। जब उस विराट क्रोध जनित अग्नि को ब्रह्मा जी ने स्वयं में लीन कर लिया, तब ब्रह्मा जी की इंद्रियों से एक शक्ति रूप स्त्री प्रकट हुई। उसका वर्ण काला, लाल और पीला था। उसके नेत्र, जिह्वा और मुख लाल लाल थे। कानों में कुंडल और शरीर पर दमकते आभूषण सुशोभित थे। वह स्त्री प्रकट होते ही ब्रह्मा जी और शिव जी को देखकर हंसते हंसते दक्षिण दिशा की ओर
जाने लगी। ब्रह्मा जी ने उसे बुलाकर कहा, हे मृत्यु, तू इस प्रजा का नाश कर। मेरी क्रोध अग्नि से तेरा जन्म हुआ है। तू मेरी आज्ञा को मानेगी तभी तेरा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर कमल नैनों वाली मृत्यु फूट फूट कर रोने लगी। ब्रह्मा जी ने उसके आंसुओं को अपने हाथों में ले लिया। तब मृत्यु अपने दुख को दबाकर झुककर और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोली, हे श्रेष्ठ प्रजापते, आपने मुझे नारी रूप में क्यों उत्पन्न किया? मैं जानबूझकर ऐसा अहित और क्रूर कर्म कैसे कर सकूंगी? मैं अधर्म से डरती हूँ। मैं अगर आपकी बनी प्रजा का नाश करूंगी तो वे अंतःकरण से मेरा बुरा चिंतन ही करेंगे। लोग दुखी होंगे, रोएंगे, उनके आंसुओं को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे इस पाप से बचाइए प्रभु। हे देवों में श्रेष्ठ ब्रह्मदेव, मैं प्राणियों को लेकर यमलोक नहीं जाऊंगी। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनय करती हूँ, आप मुझे वर दें प्रभु। मैं कामधेनु आश्रम में जाकर आपकी आराधना में लगकर तप करूंगी। प्राणियों को प्राण प्रिय होते हैं, मैं उन्हें हरना नहीं चाहती। इस अधर्म से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने मृत्यु की बात सुनकर शांत मन से कहा, हे मृत्यु, मैंने तुझे प्रजा का नाश करने की इच्छा से ही रचा है, अतः तू बिना कोई विचार किए प्रजा का संहार कर। मेरे कहने के अनुसार संहार करने पर तू किसी निंदा का पात्र नहीं होगी। ऐसा सुनकर हाथ जोड़कर मृत्यु देवी प्रसन्न तो हुई, किंतु उसने फिर भी प्रजा का संहार करने की इच्छा नहीं की और चुप हो गई। ब्रह्मा जी ऐसा देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त लोगों को देखा। तब उन्हें वे लोग पहले के समान ही दिखाई दिए, अर्थात कोई मरा हुआ नहीं दिखा। कथा सुनाते समय व्यास जी युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, मृत्यु देवी प्रजा का संहार करने की प्रतिज्ञा बिना किए ही वहां से धेनुकाश्रम चली गई। वह मृत्यु देवी ने प्रजा का हित चाहकर और उन पर करुणा करके अपनी इंद्रियों को उनके भोगों से हटाकर और मन को एकदम स्थिर करके एक पैर पर खड़ी रहकर 21 पद्म वर्षों तक तप किया। व्यास जी बोले, हे नरेश्वर, मृत्यु ने पुनः दूसरे पैर पर खड़े होकर घोर तप किया। उसके पश्चात वह 10,000 पद्म वर्षों तक मृगों के समान विचरती रही। उसके पश्चात वह मृत्यु देवी निर्मल और शीतल जल वाली नंदा नदी पर जा वहां उत्तम नियमों को धारण करके 8,000 पद्म वर्षों तक तप करती रही। उसके पश्चात मृत्यु नंदा नदी को छोड़ कौशकी नदी पर जाकर वायु और जल को आहार बनाकर नियम करने लगी। तब से पवित्र होती मृत्यु पंचगंगा और सिंधु नदियों पर बहुत से तप करके खुद को सुखाने लगी, अर्थात मृत्यु अत्यंत दुर्बल हो गई। तत्पश्चात गंगा और मेरु पर्वत पर जाकर वह अपने प्राणों को निश्चित आयाम में चढ़ाकर निश्चल हो बैठ गई। उसके पश्चात हिम पर्वत शिखर जहां देवताओं ने आदि काल में यज्ञ किया था वहां एक अंगूठी पर खड़ी हो तप किया। फिर बहुत से तीर्थ स्थलों में रहकर मन को प्रिय लगने वाले नियमों द्वारा अपने शरीर को अत्यंत क्षीण कर दिया। सिर्फ पिता में ब्रह्मा पर ही अपना सारा भक्ति भाव रख उसने उन्हें अत्यंत प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने उसके समक्ष आकर कहा, हे मृत्यु, तू किस कारण इतना घोर तप कर रही है? तब मृत्यु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सर्वेश्वर, मैं आपसे बस यही वर पाना चाहती हूँ कि मुझे आपके द्वारा रचित स्वस्थ शांत और रुदन करती प्रजाओं का वध न करना पड़े। मैं अधर्म के भय से अत्यंत विचलित हूँ और मेरे समक्ष कोई अन्य मार्ग नहीं है, तो मैं आपकी तपस्या में लगी हूँ। हे अविनाशी परमेश्वर, मुझे अभयदान दीजिए, मैं निरपराध पीड़ा पा रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मृत्यु, प्रजा का संहार करने से तुझे किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। हे कल्याणी, मेरा कहा वचन किसी भी प्रकार मिथ्या न होगा। हे कल्याणी, तू चारों प्रकार की सकल प्रजा का कल्याण कर। लोकपाल यम और नाना प्रकार की व्याधियां तेरी सहायता करेंगी। मैं और सभी देवता तुझे वरदान देंगे जिससे तू पाप मुक्त ही रहेगी। मृत्यु बोली, प्रभु, यदि यह ऐसा कार्य है जो मेरे बिना पूर्ण ही नहीं होगा तो आपकी आज्ञा मेरे शीश पर, और मैं जो आपसे कहती हूँ कृपया उसे सुनिए। लोभ क्रोध असूया अर्थात दूसरों में सदा खोट ढूंढने वाला, ईर्ष्या द्रोह मोह निर्लज्जता और एक दूसरे के प्रति कही हुई कठोर वाणी, ऐसे विभिन्न दोष ही देहधारियों की देह का भेदन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मृत्यु, ऐसा ही होगा।
अब तू प्रजा का भली प्रकार संहार कर। तेरे आंसुओं की जो बूंदें मेरे हाथों में आई थी, वे प्राणियों के शरीर में व्याधि बनकर उनको नष्ट करेगी। तू प्राणियों के लिए एक गुण रूप हो जाएगी। तू धर्म की स्वामिनी, नित्य धर्म कर्म करने वाली होगी। प्राणियों को हरते समय तू कामना और क्रोध को त्याग कर प्राणियों को हर। इससे तुझे धर्म लाभ होगा और अधर्म स्वयं ही पाप करने वालों को नष्ट कर देगा। मनुष्य अनेक प्रकार से असत्य भाषण कर अपनी अपनी आत्माओं को पाप में डालते हैं। व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा, उस दिन से वह मृत्यु क्रोध और काम को त्याग कर अंत समय में प्राणियों के प्राणों को हरती है और स्वयं निष्पाप रहती है। मृत्यु जीवित प्राणियों को हरती है और जीवित प्राणियों को ही मृत्यु से उत्पन्न होने वाली व्याधियां लग जाती हैं। व्याधि रोगों का नाम है जिनसे प्राणी पीड़ा पाता है। अतः राजन, तू निष्फल शोक न कर। व्यास जी युधिष्ठिर से आगे बोले, आयु के अंत में सभी इंद्रियां प्राणियों के साथ परलोक में जाकर स्थित हो जाती हैं और पुनः उनके साथ ही इस लोक में लौट आती हैं। इंद्र आदि देव भी प्राणियों के समान परलोक में जाते हैं और अपने कर्म का भोग भोगने के लिए पुनः मृत्यु लोक में उत्पन्न होते हैं। ये सर्वत्र व्याप्त अनंत तेजयुक्त वायु भयंकर और उग्र रूप धारण करके प्राणियों के देह का नाश करती है। वायु गति और प्रत्यागति को प्राप्त नहीं होती, अर्थात वह सब लोकों में व्याप्त है और उसका आवागमन नहीं होता। व्यास जी युधिष्ठिर से आगे बोले, हे राजसिंह, ये सब देवता भी मृत्यु अर्थात मरण धर्म से विभूषित हैं, इसलिए तुम अपने पुत्र पर शोक न करो। तुम्हारा पुत्र इस लोक को छोड़ अब परलोक अर्थात स्वर्ग जा पहुंचा है और आनंद का अनुभव करता है। वह इस लोक के दुखों का परित्याग कर पुण्यवानों के साथ रहता है। ब्रह्मदेव ने स्वयं ही मृत्यु को प्रजा के प्राणों को हरने के लिए उत्पन्न किया है। अतः प्राणियों का अंतिम समय आने पर ब्रह्मदेव की इंद्रियों से रची हुई मृत्यु प्राणियों के प्राणों को हर लेती है। बहुत से प्राणी पाप कर्म करके स्वयं ही अपना नाश करते हैं। दंडपाणी अर्थात यम उन्हें नष्ट नहीं करता, ब्रह्मा की रची हुई मृत्यु ही उनका नाश करती है। इस सत्य को जानकर धीरज धरने वाले पुरुष मरे हुओं पर शोक नहीं करते। इस सृष्टि को तू ब्रह्मा की रची हुई जानकर मृत्यु द्वारा हरे गए अपने पुत्र के शोक को बिना विलंब त्याग दे। व्यास जी आगे बोले, नारद जी द्वारा कहे इस रहस्य को सुनकर राजा अकंपन ने अपने मित्र नारद जी से कहा, हे ऋषि सत्तम, आपके द्वारा कहे इस आख्यान को सुनकर मेरा शोक दूर हो गया है और मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तब अपार ज्ञानवान ऋषि नारद तुरंत ही नंदन वन की ओर चले गए। व्यास जी बोले, इस सार्थक आख्यान को सुनने से धर्म का ज्ञान होता है और परम गति प्राप्त होती है। महावीर्यवान अभिमन्यु शत्रुओं का नाश करके स्वर्ग में गया है। पाप रहित वह चंद्रवंशी राजकुमार पुनः चंद्रमा में ही लीन हो गया है। अतः हे पांडुपुत्र, तू शस्त्र आदि धारण कर और उत्तम धैर्य धारण करके अपने भाइयों को अपने साथ लेकर शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो जा। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, हे संजय, जब अर्जुन संसप्तकों को हराकर वापस लौटा तब किसने अर्जुन को बताया कि तुम्हारा तेजस्वी पुत्र सदा के लिए शांत हो गया है? इन बातों को तुम मुझे यथार्थ रूप में बताओ। संजय बोले, जब अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध से वापस लौट रहे थे तब आते आते ही अर्जुन के नेत्र आंसुओं से भर रहे थे। तब अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, आज मेरा हृदय न जाने इतना क्यों धड़क रहा है। मेरी बोली बंद सी हुई जा रही है। बाएं भुजा आदि अंग न जाने क्यों फड़क रहे हैं और न जाने मेरा शरीर भीतर से क्यों जलासा जा रहा है। कुछ बड़ा अनिष्ट हुआ है, यह बात मेरे हृदय से जा ही नहीं रही। मेरे बड़े भाई राजा युधिष्ठिर भाइयों और मंत्रियों सहित सकुशल तो होंगे न केशव? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तेरे भाई निश्चय ही मंत्रियों सहित सकुशल होंगे। तू शोक मत कर, मुझे प्रतीत होता है कि वहां कुछ और ही अनिष्ट हुआ है। संजय धृतराष्ट्र से बोले, जब वे दोनों वीर छावनी के समीप पहुंचे तब छावनी को आनंद शून्य और अव्यवस्थित सी देखकर घबराए अर्जुन श्री कृष्ण से फिर से बोले, हे जनार्दन, आज किसी प्रकार के मांगलिक वाद्य नहीं बज रहे। दुंदुभियों
और शंखों के बड़े भारी स्वर भी कहीं सुनाई नहीं पड़ रहे, ना ही कोई ताल स्वरों के साथ वीणा बज रहा है। हे केशव, ये सब योद्धा भी मुझे देखकर अपना मुख नीचे करके चले जा रहे हैं। हे माधव, क्या आज मेरे सभी भाई सकुशल हैं? इन योद्धाओं को इस प्रकार देखकर मेरा चित्त कहता है कि वे कुशल नहीं हैं। हे मानद, मैं जब रणभूमि से लौटकर आता था तब अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसते हंसते मेरे पास आता था, वह भी आज मेरे सामने नहीं आया। संजय ने कहा। इस प्रकार कहते कहते दोनों अपनी छावनी में घुसे। वहां उन्होंने पांडवों को घबराए सा देखा। वानर ध्वज अर्जुन अपने भाइयों और पुत्रों को ऐसी घबराई अवस्था में देखकर घबराया और अभिमन्यु को वहां न देखकर कहने लगा, अरे आज तुम सबके मुख इस प्रकार फीके क्यों पड़े हैं और यहाँ मुझे अभिमन्यु क्यों नहीं दिखता? आज तुम मुझसे प्रेम पूर्वक बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने सुना है कि आज द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा था। तुम में से अभिमन्यु के सिवाय ऐसा कोई नहीं था जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। अर्जुन के ऐसा कहने पर जब कोई कुछ नहीं बोला तो अर्जुन आगे बोले, मैंने उसे चक्रव्यूह में घुसना तो सिखा दिया था, किंतु उसे तोड़ने के उपरांत बाहर कैसे निकलना चाहिए ऐसा नहीं बताया था। क्या तुमने आज उस बालक को शत्रु सेना में भेज दिया था? अर्जुन का चित्त अचानक घबरा गया और वह बोला, कहीं वह चक्रव्यूह के भीतर घुसकर शत्रुओं के हाथों से मारा तो नहीं गया? लाल नेत्रों वाला श्री कृष्ण के समान मेरा पुत्र कहीं मारा तो नहीं गया? बताओ मेरा प्यारा अभिमन्यु क्या रण में मारा गया है? वह सुभद्रा का प्यारा पुत्र, द्रौपदी, श्री कृष्ण और माता कुंती का भी दुलारा है। काल से मोहित हुए किसने उसे मार डाला? वह तो पराक्रम में, शास्त्र अभ्यास और कीर्ति में श्री कृष्ण के जोड़ का था, तो भी वह कैसे मारा गया? आगे अर्जुन उस श्रेष्ठ बालक अभिमन्यु के गुण बताते हैं। वह घुंघराले केशों वाला, मृग के बच्चे के समान नेत्रों वाला, मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, सदैव मुस्कुराकर बोलने वाला, चतुर और हमेशा बड़ों की आज्ञा को मानने वाला, मीठी बोली बोलने वाला, बालक होने पर भी अतुलनीय पराक्रम, निष्कपट, सदैव उत्साही, दया करने वाला, सरल हृदय और कभी नीचों अर्थात कुसंस्कारियों के पास न बैठने वाला, सदैव शत्रुओं को भय देने वाला, अपने चाचा ताऊओं की विजय का इच्छुक, संग्राम में कभी पहले प्रहार न करने वाला और सदैव सावधान रहने वाला, रथियों के समक्ष महारथी रूप प्रदर्शित करने वाले, अपने प्रिय पुत्र को यदि मैं अभी नहीं देख पाऊंगा तो यमलोक चला जाऊंगा। रण में वह मुझसे ड्योढ़ा अर्थात डेढ़ गुना समझा जाता था, जिसकी नासिका, ललाट, नेत्र, भौंए और होंठ ये सभी परम सुंदर थे। अभिमन्यु के उस मुख को ना देख पाने पर मेरे हृदय में कैसे शांति होगी? इस प्रकार अर्जुन शोक में डूब गया और अभिमन्यु के विषय में बोलता रहा। जो सदा बहुमूल्य शैया पर सोता था वह आज एक अनाथ की भांति पृथ्वी पर सो रहा है। आज से पहले सोते समय स्त्रियें जिसकी सेवा करती थी, आज उसके शत विक्षत अंगों के समीप अमंगल शब्द करने वाली सियारनियें बैठी होंगी। उस सोते हुए को सूत, मागध अर्थात गायन करने वाले और बंदीजन अर्थात मंगल गान करने वाले निद्रा से जगाते थे। उसे आज मांस खाने वाले भयानक जीव अपने भयानक स्वरों से जगाते होंगे। शोक से भरे अर्जुन आगे बोले, हे पुत्र, मेरा मन तो चाहे कितनी ही देर तक तुझे देखता रहता था फिर भी नहीं भरता था। निश्चित ही आज संयमनीपुरी अर्थात मनुष्यों को संयम में रखने वाला यमराज का नगर आज तेरी प्रभा से अत्यंत मनोहारिणी हुई होगी। अवश्य ही आज यम, वरुण और कुबेर तेरे जैसे निर्भय वीर को अतिथि के रूप में पाकर तेरा बड़ा आदर सत्कार करते होंगे। इस प्रकार विलाप करते अर्जुन ने युधिष्ठिर से इस प्रकार पूछा, क्या श्रेष्ठ अभिमन्यु शत्रुओं का नाश करते हुए अनेक वीरों से युद्ध करता हुआ स्वर्ग को चला गया है? अर्जुन फिर शोक के सागर में जाने लगे और बोले, जब वह नर श्रेष्ठ अनेक वीरों से युद्ध करते हुए थक गया होगा तब उस असहाय ने सहायता की इच्छा से निश्चित ही मुझे याद किया होगा। उसने युद्ध में अवश्य विचारा होगा कि यदि इस समय मेरे पिता होते तो अवश्य मेरी रक्षा करते। अर्जुन गहरे शोक में डूबकर बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मुझसे उत्पन्न हुआ है और श्री कृष्ण का भांजा है। उसका जन्म सुभद्रा के गर्भ से हुआ है। वह घोर संकट में आने पर भी ऐसी दीनता भरी बातें नहीं कह सकता। निश्चित ही मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है जो इस समय
फट नहीं जाता। मुझे बार बार सुभद्रा के लिए शोक हो रहा है। अभिमन्यु को ना देखकर वह मुझसे क्या कहेगी? द्रौपदी को भी मैं क्या जवाब दूंगा? उधर उत्तरा रोएगी। ये सब सोचकर मेरा हृदय क्यों टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता? विजय से गर्व में भरे कौरवों का सिंहनाद मुझे सुनाई पड़ा था तथा वीर पुरुषों को ताना देते हुए युयुत्सु की बात भी श्री कृष्ण ने सुनी थी कि अरे अधर्मियों, तुम अर्जुन को तो हरा नहीं सके, अब इस बालक को मारकर इतराते हो। तुमने युद्ध में ऐसा अप्रिय कार्य करके अपने लिए शोक का समय बुला लिया है। इस प्रकार कौरवों से कहकर वह राजा धृतराष्ट्र का वैश्य जातीय परम बुद्धिमान पुत्र युयुत्सु दुख से भरकर कौरवों से ऐसी बात कहकर अपने शस्त्र त्याग कर वहां से चला गया। हे श्री कृष्ण, उसी समय तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं कही? यदि उसी समय आप मुझे यह बता देते तो मैं उन सब क्रूर महारथियों को भस्म कर डालता। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, पुत्र शोक में पड़ा अर्जुन अभिमन्यु की चिंता और स्मरण करके रो रहा था। उस समय वासुदेव ने उससे कहा, पार्थ, इस प्रकार शोक न कर, क्योंकि मरना तो सभी को है जो युद्ध से अपनी जीविका कमाते हैं, और संग्राम में जो योद्धा युद्ध में पीछे नहीं हटते, उन सब की यही तो गति होती है। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, शास्त्रों को जानने वालों ने उनकी यही गति बताई है जो रण में पीठ न दिखाकर लड़ते हैं। अभिमन्यु पवित्र लोकों में गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभिमन्यु अनेक महाबली राजपुत्रों को मारकर वीरों की चाही जाने वाली गति को ही प्राप्त हुआ है। हे भरत सत्तम, तू इस प्रकार शोक कर रहा है यह देखकर तेरे ये सब भाई बंधु दीन से हुए जा रहे हैं। हे मानद, तू इन सबको धीरज भरे वचनों से समझा। तूने जानने योग्य हर वस्तु को जान लिया है, अतः तुझे शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ गीता ज्ञान की बात कर रहे हैं। अद्भुत चरित्र वाले श्री कृष्ण के इस प्रकार समझाने पर अर्जुन ने रुंधे गले से अपने भाइयों से कहा, लंबी भुजा और कमल नैनों वाला अभिमन्यु किस प्रकार मारा गया, यह मैं प्रारंभ से अंत तक सुनना चाहता हूँ। अपने पुत्र के बैरियों को मैं हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित रण में मार डालूंगा, इसको तुम देखना। अब अर्जुन अपने सभी भाइयों को उल्हाना देते हुए बोले, तुम सब अस्त्र कुशल हो और तुम सब वहां बस यूं ही शस्त्र धारण किए खड़े रहे। अभिमन्यु यदि इंद्र के साथ भी लड़ता तो भी मारा नहीं जा सकता था, फिर वह कैसे मारा गया? यदि मैं यह जान पाता कि पांडव और पांचाल राजे मेरे प्रिय पुत्र की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो मैं स्वयं ही उसकी रक्षा करता। तुम अपने अपने रथों से बाणों को छोड़ रहे थे, तब तुम्हारा तिरस्कार कर उन्होंने किस प्रकार अभिमन्यु को मार डाला। तुम सब में ना तो पराक्रम है और ना ही पौरुष, किंतु इस बात पर तो मुझे अपने आप को ही धिक्कार देना चाहिए। तुम इतने निर्बल हो, यह जानकर भी मैं अपने पुत्र को तुम्हें सौंप कर चला गया। क्या तुम्हारे कवच, शस्त्र और आयुध मात्र शोभा के लिए ही हैं कि तुम मेरे पुत्र की रक्षा भी न कर सके? अर्जुन इतना कहकर शोक से भरकर चुप होकर बैठ गया। उस समय सिर्फ श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ही उनकी ओर देख सके, अन्य कोई नहीं। ये दोनों सब अवस्थाओं में अर्जुन के हित का सोचने के कारण ही उससे कुछ कह सकते थे। युधिष्ठिर बोले, हे महाबाहो, जब तुम संसप्तकों की ओर चले गए तब द्रोणाचार्य ने मुझे पकड़ने के लिए अपना व्यूह रचकर हम पर चढ़ाई कर दी, तब हम भी अपना व्यूह रचकर उन्हें रोकने लगे। द्रोण के तेज बाणों की ओर हमारा कोई योद्धा आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहा था, फिर उन्हें नष्ट तो हम क्या ही करते। हे भ्राता, उस समय हमने अभिमन्यु से कहा, हे महाबली, द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ डालो। हमने इस प्रकार उससे आग्रह किया तो वह बलवान अभिमन्यु उस असह्य भार को उठाने के लिए तैयार हो गया। वह वीर द्रोणाचार्य के व्यूह में ऐसे घुस गया जैसे समुद्र में गरुड़ घुस जाता है। हम भी उसके बनाए मार्ग से पीछे पीछे व्यूह में जाने लगे, परंतु शिव जी का वरदान पाए सिंधु देश के जयद्रथ ने हमें सेना में घुसने से बाहर ही रोक दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, बृहद्वल और कृतवर्मा, इन छह महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया और उस बालक को चक्रव्यूह में बंद कर लिया। जब वह बालक उन सब से युद्ध करने लगा और उन्हें हराने लगा, तब उन्होंने उसका रथ तोड़कर उसे रथ विहीन कर दिया। उसके पश्चात दुशासन पुत्र ने उस रथ विहीन
घायल और थके हुए अभिमन्यु को शीघ्र ही मार डाला। मरने से पहले अभिमन्यु ने भयंकर पराक्रम दिखाया और एक सहस्त्र हाथी घोड़े रथी और मनुष्यों को मारा। फिर घोर युद्ध में 8 सहस्त्र रथी, 900 हाथी, 2000 राजकुमार और अन्य अज्ञात वीर और राजा बृहद्वल को मार डाला था। उसने युद्ध में कभी दीनता नहीं दिखाई। जब वह योद्धा भूमि पर गिरा तब हम सब के मुख पीले पड़ गए थे। क्रोध और शोक से अर्जुन शिथिल पड़ गए थे। उन्हें जब चेत आया तब उनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई मनुष्य ज्वर से कांप रहा हो। वह बारंबार गहरी सांस छोड़ रहा था, बार बार हाथ मसल कर नेत्रों से आंसू बहा रहा था। फिर चारों ओर तिरछी दृष्टि से देख कर बोला, मैं तुम सबके समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल यदि जयद्रथ मृत्यु के भय से धृतराष्ट्र के पुत्रों को छोड़कर भागेगा नहीं तो कल मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कल कोई मुझसे लड़ेगा फिर चाहे वे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ही क्यों न हो, उन्हें मैं अपने बाणों से ढक दूंगा। यदि कल संग्राम में मैं ऐसा न करूं तो मुझे वीर और पुण्यवानों को मिलने वाला लोक न मिले। इसके बाद अर्जुन अनेकों नीच और पाप कर्मों की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि यदि मैं कल जयद्रथ का वध न कर सका तो मेरी गति भी उन नीच और पाप कर्मियों जैसी हो जाए। यदि कल बिना जयद्रथ को मारे हुए सूर्य अस्त हो जाएगा तो मैं यहां ही जलती हुई अग्नि में कूदकर जल जाऊंगा। देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, सर्प, पितर, राक्षस, ब्रह्मऋषि, देवऋषि तथा जगत का कोई इससे बढ़कर भी होगा वह भी मेरे शत्रु को कल न बचा सकेगा। वह चाहे पाताल, तलातल, आकाश, स्वर्ग या राक्षसों के नगर ही क्यों न चला जाए, मैं उसका मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। अर्जुन भयंकर आवाज में ऐसा कहकर अपने धनुष को घुमाते हुए उस पर टंकार देने लगा। अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा पर श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख और अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। पंचजन्य से जो ध्वनि निकली उसने आकाश पाताल की सभी दिशाओं को कंपा दिया। तभी पांडव पक्ष के सभी योद्धा सिंहनाद करने लगे। अब हम अभिमन्यु वध की इस वीडियो सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब हम आपके सुझाए महाभारत के किसी अन्य भाग पर वीडियो बनाएंगे। आप अपना नया सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अपने प्रियजनों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।